सभी स्टाफ को एक प्रॉपर वार्निंग देने के बाद उन्हें उनके काम पर वापस भेज दिया गया। इधर लिफ्ट में अर्देश ने धीमी आवाज में वेदांत से सवाल किया, क्या हम मेरे प्रोडक्शन टीम के ऑफिस जा रहे हैं या सीधे आपके अपने ऑफिस में? तब वेदांत ने उससे सवाल किया, क्या बाकी के सभी गेस्ट यहाँ आ चुके हैं? निर्जला, प्रशांत और उनके मिस्ट्री गेस्ट फिलहाल हमारे स्टूडियो नहीं पहुंचे हैं, अर्देश ने जवाब दिया। शायद ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया था या शायद वो ट्रैफिक में फंस गए थे। वे दोनों अब भी इस बात से नाराज थे कि कृतिका को उनसे ज्यादा फीस पे की गई है, इसलिए अपनी अहमियत को कृतिका से बड़ा जताने के लिए वे दोनों जानबूझकर आज मैक्स ओ के स्टूडियो थोड़ी देर से आने वाले थे। क्या विक्रम यहाँ आ चुका है? वेदांत ने सवाल किया। हाँ, इस वक्त हमारे मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे हैं, अर्देश ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर पहले मेरे ऑफिस चलते हैं, विक्रम और बाकी गेस्ट से हम बाद में मिलेंगे, वेदांत ने कहा। अपनी बात पूरी करने के साथ ही वेदांत हंस भी पड़ा। जिस बंदे की एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं और जिसका स्टेटस मिस्टर गोस्वामी के अलावा आज यहाँ आने वाले सभी गेस्ट से हाई है, वो पहले ही यहाँ आ चुका है, और वे लोग जिनका स्टेटस कुछ खास अच्छा नहीं है और जिनकी एक्टिंग में अभी भी कई खामियां हैं, वे यहाँ हमारे स्टूडियो देर से आकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्देश समझता था कि वेदांत का इशारा निर्जला और प्रशांत की तरफ था। अपने ऑफिस में आने के बाद वेदांत ने गोस्वामी से कहा, मिस्टर गोस्वामी, मैं काफी सालों से आपसे मिलने का सपना देख रहा था, लेकिन मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि आप खुद मेरे स्टूडियो आकर मेरे इस सपने को पूरा करेंगे। ये कहने के बाद वेदांत ने एक लंबी और गहरी सांस ली। आपका हमारे किसी शो में पार्ट लेना हमारे स्टूडियो और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सच कहूं तो हम ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गोस्वामी धीमी आवाज में हंस पड़ा। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मुझे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं, इसलिए मैंने खुद को हमेशा कैमरे के सामने आने से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि आपने कृतिका को यहाँ अपने शो में इनवाइट किया है तो मेरा उसके लिए यहाँ आना तो बनता था। गोस्वामी की बात सुनने के बाद अर्देश और वेदांत दोनों ही चौंक पड़े। गोस्वामी आगे कहता रहा, साथ ही मुझे डायरेक्टर अर्देश से मिलकर उन्हें थैंक्स भी तो कहना था। थैंक्स अर्देश, जो आपने मेरी बेटी कृतिका के लिए डायरेक्टर विशाल के सामने स्टैंड लिया। अर्देश को गोस्वामी से थैंक्स सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे तो कृतिका में बस एक पोटेंशियल नजर आया था, इसलिए उसने उसका साथ देना तय किया। उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके लिए स्टैंड लेने पर कृतिका उसे इतना बड़ा सरप्राइज दे देगी। एक मिनट, अभी अभी गोस्वामी ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी बेटी कृतिका, यानी कि कृतिका उसकी बेटी है, लेकिन कृतिका का पिता तो वीरेंद्र राठौर है ना। उन लोगों ने ये सुन रखा था कि गोस्वामी ने मुंबई आते ही किसी से शादी कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? वेदांत और अर्देश दोनों ही गोस्वामी के बगल में खड़ी अनुराधा को देखने लग गए। गोस्वामी मुस्कुरा उठा और फिर उसने अनुराधा से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। ये कृतिका की माँ और मेरी वाइफ अनुराधा है। जैसे ही गोस्वामी ने अपनी बात पूरी की, वैसे ही अर्देश और वेदांत को सारी बात समझ में आ गई। वेदांत के दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। कृतिका की किस्मत इतनी कमाल की कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी के हर पन्ने को पारस के पत्थर से लिखा गया था। कृतिका गोस्वामी की स्टेप डॉटर थी। जितना खुश तीन लोगों का वो छोटा सा परिवार एक साथ दिखने में लग रहा था, उसे देखने से वे दोनों समझ गए कि कृतिका का गोस्वामी की अपनी बेटी ना होना गोस्वामी को जरा भी बुरा फील नहीं करवाता है।
वो उसे अपनी खुद की बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जब उन्होंने पहली बार कृतिका को अपने शो में बुलाया था, तब उन्हें लगा था कि इंडस्ट्री से बेहतर कनेक्शन ना होने की वजह से कृतिका अपने साथ किसी बेहतर मिस्ट्री गेस्ट को नहीं ला पाएगी। लेकिन आखिर में वो लड़की अपने साथ दिवाकर और तलपेश जैसे पॉपुलर डायरेक्टर्स को अपने साथ शो में लेकर आ गई। दूसरी बार भी उन लोगों ने यही सोचा था कि कृतिका के लिए इस बार एक बेहतर मिस्ट्री गेस्ट ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन देखो तो, वो अपने साथ गोस्वामी जैसे इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी को लेकर आ गई। अर्देश ना चाहते हुए भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अगर अब भी कोई ये कहता कि कृतिका के कनेक्शंस इंडस्ट्री में अच्छे नहीं है, तो ये ऐसा कहने वाली सबसे बड़ी बेवकूफी होती। गोस्वामी के इंटरनेशनल स्टेटस को देखा जाए तो कृतिका की पहुंच से अब हॉलीवुड मूवीज भी दूर नहीं थे। उसे अब इंडियन फिल्म्स पर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जिस दौरान इंडियन एक्ट्रेसेस इंडियन मूवीज में रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती, उस दौरान अगर कृतिका चाहे तो गोस्वामी के बल पर सीधे हॉलीवुड में एंटर कर सकती थी। बात बस इतनी सी थी कि किसी को इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं था और कृतिका ने खुद भी इस बात को किसी से नहीं कहा। वो इस मामले में काफी लो प्रोफाइल मेंटेन कर रही थी। कृतिका के इस नेचर को वेदांत भी एडमायर करने लगा था। गोस्वामी को मुंबई आए और यहाँ आकर शादी किए हुए कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन कृतिका ने ये बात कभी किसी के सामने मेंशन नहीं की। अगर कृतिका की जगह पर कोई और लड़की या लड़का होता तो वो कब का इसे अनाउंस कर चुका होता, ताकि उसे अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल जाए। जिस लड़की का स्टेप डैड गोस्वामी था, उससे उलझने की गलती विशाल जैसे अदने से डायरेक्टर ने कैसे कर दी। फिर भी कृतिका ने गोस्वामी के नाम का सहारा विशाल को हैंडल करने में नहीं लिया। शायद इसलिए क्योंकि वो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के बल पर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी। गोस्वामी के नाम को यूज कर अपने एक्टिंग करियर को बूस्ट देने की बात उसके मन में कभी थी ही नहीं। कृतिका का अपने करियर को ऑनेस्ट ढंग से आगे बढ़ाना वेदांत और अर्देश को काफी अच्छा लगा। कृतिका के लिए उनके दिल में जो रिस्पेक्ट थी, वो आज थोड़ी और बढ़ गई थी। अर्देश ने आगे एक्सप्लेन किया, गोस्वामी सर, चूंकि आप हमारे सबसे बड़े मिस्ट्री गेस्ट हैं, इसलिए शो की रिकॉर्डिंग के बाद हम आपको स्टूडियो के दूसरे एग्जिट से यहाँ से बाहर निकालना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आपके पिक क्लिक करे या आपकी वीडियो बनाए। मेन एंट्रेंस के पास ऐसा होने से रोकना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। गोस्वामी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों की अरेंजमेंट्स को फॉलो करूंगा। गोस्वामी बहुत ही आसानी से उनकी बात मान गया। उसे कुछ तो ड्रामा करना चाहिए था, लेकिन उसका नेचर काफी फ्रेंडली था। उसके पास अपने खुद के कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं थी। वो सच में किसी सेलिब्रिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। अर्देश ने सवाल किया, गोस्वामी सर, क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? आप हमें बताएं, हम उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर लेंगे। गोस्वामी खिलखिला उठा, नहीं, मेरे पास कोई ऐसे रिक्वेस्ट नहीं। हो सके तो मेरी वाइफ के बैठने के लिए अच्छे अरेंजमेंट कीजिए। आज पहली बार वो मुझे और कृतिका को एक साथ स्टेज पर देखने वाली है। एक बात और ध्यान रहे कि स्टेज पर होस्ट को पता होना चाहिए कि लीड परफॉर्मेंस कृतिका दे रही है। ऐसा ना हो कि वो सारा लाइमलाइट मुझे ही दे दे। आपको ज्यादा से ज्यादा स्पॉटलाइट कृतिका को देना है, मुझे नहीं। गोस्वामी कृतिका की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इस पर काफी फोकस्ड था। बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें, हम आपकी कही बात का पूरा ख्याल करेंगे। अर्देश तुरंत ही गोस्वामी की बात मान गया। ये बातें उसके लिए काफी छोटी मोटी थी। तब वेदांत ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। रिकॉर्डिंग का टाइम लगभग पूरा हो चुका है, हमें साथ में रिकॉर्डिंग एरिया में चलना चाहिए। इस दौरान निर्जला और प्रशांत लगभग एक साथ बैक स्टेज ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। मानो उन दोनों ने एक साथ आना पहले से तय कर रखा था। विक्रम और उसके मिस्ट्री गेस्ट अभिलाष ने अब तक अपने मेकअप को पूरा करवा लिया था। वे दोनों दिखने में रफ एंड टफ टाइप के लग रहे थे।
जब प्रशांत और निर्जला वहां पहुंचे तो उन दोनों ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ विक्रम और अभिलाष को हेलो कहा। साथ ही उन दोनों ने उनसे माफी भी मांगी। सॉरी, हम दोनों को आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है, विक्रम ने पोलाइटली कहा। निर्जला ने ड्रेसिंग रूम में चारों तरफ देखा, उसे कृतिका वहां कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा कि उसने वहां आने में इतनी देर की है कि तब तक तो कृतिका स्टूडियो आ ही चुकी होगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि देर से आने के कंपटीशन में भी वो कृतिका से मात खा जाएगी। वर्गीस सर, कृतिका अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? निर्जला ने वर्गीस से सवाल किया। उसे और प्रशांत को वर्गीस ने ही स्टूडियो आने पर वेलकम किया था। वर्गीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृतिका काफी पहले यहाँ आ चुकी है, लेकिन उसे पहले कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वो उसमें बिजी हो गई। उसे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगेगा। निर्जला थोड़ा चिढ़ उठी, क्या वो सच में इतनी बिजी है? मेरा मतलब, यहाँ आने के बाद भी हम सबके पास ड्रेसिंग एरिया में ना आना? कृतिका एक्चुअल में नखरे दिखा रही है, वो भी तब जब विक्रम और अभिलाष जैसे कद्दावर एक्टर्स पहले ही वहां आ पहुंचे हैं। निर्जला को समझ में नहीं आ रहा था कि कृतिका के अंदर ऐसा कुछ करने का कॉन्फिडेंस आता कहां से था, लेकिन वो लावण्या की तरह बेवकूफ ना होकर काफी स्मार्ट निकली। उसने अपने मन में चल रही बात को डायरेक्टली नहीं कहा, उसने निराशा में अपने सिर को हिलाया और फिर वो मेकअप चेयर पर जा बैठी ताकि मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर सके। उसने पोलाइटली मेकअप आर्टिस्ट से कहा, यह आने से पहले मैंने अपना मेकअप खुद से थोड़ा बहुत कर लिया था, आपको बस हल्का सा टचअप करना होगा, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो मेकअप आर्टिस्ट एक लड़की थी। उसने निर्जला की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तब निर्जला ने एक बार फिर से कहा, पता नहीं जब कृतिका यहाँ आएगी तो उसके पास अपने मेकअप या टचअप के लिए थोड़ा भी टाइम रहेगा या नहीं। कुछ पल के बाद निर्जला ने वर्गीस से कहा, वर्गीस सर, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग का टाइम पूरा हो चुका है, क्या आपको कृतिका से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? वो अब तक भी यहाँ नहीं आई है, आगे हम एक्टर्स को कृतिका का इंतजार करना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑडियंस को तो देर तक शो के शुरू होने का इंतजार करने नहीं दे सकते हैं ना। विभव, जो कि निर्जला का मिस्ट्री पार्टनर था और विंटर्स वॉर का सेकंड लीड, वो भी अब गुस्से में आ गया था। क्या वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है? अभी तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में उसने कुछ खास नाम भी नहीं कमाया है, फिर भी उसने नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। विक्रम को देखिए, खुद को एस्टैब्लिश करने के बाद भी वो हम सबसे पहले यहाँ आ पहुंचे। अगर यहाँ किसी को देर से आना था तो बस उन्हें और किसी को नहीं। विक्रम विभव की बात सुन गुस्से में हंस पड़ा। वो कृतिका से जरा भी गुस्सा नहीं था, कृतिका से गुस्सा तो निर्जला और बाकी के लोग हो रहे थे। उन लोगों को कृतिका से लेकर अपनी नाराजगी के बीच उसे तो जबरदस्ती खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। विक्रम की ये आदत थी कि वो हमेशा शूटिंग प्लेस पर सबसे पहले आया करता था। उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं थी कि किसी दूसरे को उसकी वजह से इंतजार करना पड़े। इसका उसके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था, वो बस सेल्फ डिसिप्लिन था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी लंबे अरसे से था। उसने न तो आज तक खुद को किसी दूसरे सेलिब्रिटी से कंपेयर किया था और ना ही उसने आज तक किसी से मामूली सी भी कंपटीशन की थी। अपने अच्छे इंटेंशन और अच्छे बर्ताव की वजह से उसने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। वो ये अंदाजा लगा चुका था कि निर्जला और बाकी के लोग कृतिका से नाराज क्यों थे, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि कृतिका की फीस उससे कम थी, लेकिन अगर उसे उससे ज्यादा भी पे किया जाता तो भी इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसे अपनी अहमियत पता थी और वो ये भी जानता था कि उसे किसी शो में लाने की बेसिक फीस क्या है। अगर उसे उसकी बेसिक फीस पे की जाती है तो उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। विक्रम खिलखिलाकर हंस पड़ा।
मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी रिकॉर्डिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, इसलिए जल्दबाजी में किसी के खिलाफ अपने मन में गुस्सा पालने की आप सबको कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद विक्रम को लगा कि उसने अपने गुस्से को ठीक से निर्जला और बाकियों पर जाहिर नहीं किया है, इसलिए एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कड़क आवाज में उसने आगे कहा, वैसे मैं तुम सबका भी काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनते ही सभी के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्हें थोड़ा थोड़ा गिल्टी फील होने लगा और उन्होंने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। विक्रम का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। ये बात वहां मौजूद हर एक शख्स महसूस कर सकता था। ठीक उसी पल वेदांत गोस्वामी और बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचा। किस्मत से उसने निर्जला और विक्रम के बीच हुई थोड़ी सी कहासुनी को भी सुन लिया। गोस्वामी नहीं जानता था कि निर्जला कौन है, इसलिए वो ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले दाखिल हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। गोस्वामी की नरमी निर्जला के मुंह पर जैसे एक तमाचे की तरह पड़ी थी। ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर शख्स भौचक्का रह गया। विक्रम तुरंत ही सकपकाते हुए अपनी जगह पर से खड़ा हो गया, जबकि विभव का तो मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। निर्जला को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऑर्गन्स अंदर ही अंदर उसके बदन में आपस में टकराने लगे हैं। पहले उसने गोस्वामी को घूरा, फिर कृतिका को, और फिर उसने वेदांत की तरफ नजर दौड़ाई। मैक्स ओके चैनल का चीफ खुद उन्हें ड्रेसिंग रूम लेकर आया था। वो ऐसा करता भी क्यों नहीं, आखिर आज गोस्वामी जो उसके स्टूडियो आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि द एक्स फाइल्स के फिनाले के लिए कृतिका का मिस्ट्री पार्टनर गोस्वामी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड को बेहतर बनाने के लिए स्टूडियो ने उसे यहाँ इनवाइट किया होगा। गोस्वामी का कृतिका से कोई भी लेना देना नहीं हो सकता है। कृतिका और मिस्टर गोस्वामी काफी पहले यहाँ स्टूडियो आ गए थे, लेकिन मुझे दोनों से कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैं दोनों को अपने साथ अपने ऑफिस लेकर चला गया था, वेदांत ने एक्सप्लेन किया। उसने निर्जला को ऊपर से नीचे तक एक बार घूरा और फिर कहा, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। निर्जला को ऐसे लगा जैसे उसके मुंह को लकवा मार गया है। नहीं नहीं, वो चाहकर भी खुद के बचाव में कुछ कह नहीं पाई। प्रशांत, जिसने अब तक खुलकर अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया था, उसने राहत भरी एक लंबी सांस ली। वो खुद भी कृतिका से नाराज था और उसे लेकर अपने गुस्से को जाहिर करना चाहता था, लेकिन किस्मत से उसे कुछ भी कहने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस वक्त जिस बंदे की इमेज वहां ड्रेसिंग रूम में सबसे बेहतर थी, वो बंदा विक्रम था। उसने कृतिका को लेकर एक भी बुरा शब्द नहीं कहा था। वो एक्साइटमेंट में गोस्वामी की तरफ बढ़ा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा गोस्वामी सर, उसने जोर से गोस्वामी से हैंडशेक किया। इस वक्त वो किसी फैन की तरह बिहेव कर रहा था। वो देर तक गोस्वामी के हाथ को थामे रहा। वो उसके हाथ को छोड़ना ही भूल गया था। मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ सर, मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं, विक्रम ने कहा। आपके लाइव कॉन्सर्ट को अटेंड करना हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है, पर अफसोस कि इंडिया में आज तक आपने कोई अपना लाइव कॉन्सर्ट ही नहीं किया। विक्रम के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी उभर आई। अब तक विदेशों में आपके जितने भी कॉन्सर्ट हुए हैं, बदकिस्मती से मैं उनकी टिकट हासिल ही नहीं कर पाया, नहीं तो मैं कब का आपके लाइव कॉन्सर्ट को अटेंड कर लेता। किसी के पास अथाह पैसा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेशों में होने वाले कॉन्सर्ट के टिकट्स हासिल कर सकता है। रही बात गोस्वामी की, तो जब भी उसका कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज होता था तो उसके टिकट्स की बुकिंग काफी पहले से ही हो जाती थी। इसके अलावा गोस्वामी खुद के ज्यादा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा वो साल दो साल में एक ही कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर पाता था।
विक्रम आसानी से उसके कॉन्सर्ट के टिकट्स की प्राइस पे कर सकता था, लेकिन उसे टिकट्स मिलती ही नहीं थी। गोस्वामी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। फिर अर्देश की तरफ पलटते हुए उसने उससे सवाल किया, क्या आज के शो की रिकॉर्डिंग में इसके लिए वक्त बचेगा? अर्देश सकपका गया। क्या गोस्वामी उसके शो में लाइव म्यूजिक परफॉर्म करने की बात कर रहा था? अगर सच में ऐसा हुआ तो आज द एक्स फाइल्स के फिनाले को देखने के लिए यहाँ आई लाइव ऑडियंस आज के दिन को कभी भूल ही नहीं पाएगी। उसके शो के टिकट्स बस कुछ हजार रुपए की थी, लेकिन बात अगर गोस्वामी के कॉन्सर्ट की जाए तो उसके कॉन्सर्ट की टिकट्स कुछ हजार डॉलर्स में मिलती थी। इसके अलावा उसके कॉन्सर्ट को देखने के लिए लोगों को ओवरसीज ट्रैवल भी करना पड़ता था। जिस म्यूजिशियन के लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोगों को हजारों डॉलर्स में पैसे खर्च करने पड़ते थे, उन्हें उसकी परफॉर्मेंस बस कुछ हजार रुपयों में देखने को मिल जाएगी। ये ख्याल जैसे ही अर्देश के मन में आया, उसका दिल थोड़ा तड़प उठा। क्या आप लाइव परफॉर्म करेंगे? अर्देश एक्साइटमेंट में ढंग से अपना सवाल भी नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं गोस्वामी उसके सवाल का बुरा ना मान जाए, इसलिए जैसे तैसे उसने आधा अधूरा सवाल किया। गोस्वामी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके सवाल का जवाब दिया, अगर शो की रिकॉर्डिंग में आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो मैं अपना कोई एक सॉन्ग यहाँ लाइव परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। क्या ये सूटेबल रहेगा? सूटेबल? ये एकदम परफेक्ट रहेगा। अर्देश इस बार अपनी एक्साइटमेंट को छिपा ही नहीं पाया। उसकी आवाज अचानक से लाउड हो गई, लेकिन फिर जल्दी ही शर्मिंदा होते हुए उसने खुद को शांत करते हुए कहा, हमारे शो को लाइव टीवी पर नहीं दिखलाया जाता है, पहले इसकी रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में अगर एपिसोड की रिकॉर्डिंग में यूजुअल टाइम से ज्यादा समय भी लगता है तो इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बाद में इसे जरूरत के हिसाब से एडिट कर लेंगे। वैसे भी यहाँ बात आपके परफॉर्मेंस की हो रही है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हे भगवान, ये गोस्वामी का बस पहला टीवी अपीयरेंस ही नहीं था, आज डोमेस्टिक लेवल पर वो पहली बार अपना म्यूजिक परफॉर्मेंस भी देने वाला था। हाँ, ये उसका पहला डोमेस्टिक म्यूजिक परफॉर्मेंस होता। हालांकि वो बस एक ही गाना गाने वाला था, लेकिन इससे ये बात बदल नहीं जाती कि ये इंडिया में उसका पहला म्यूजिक परफॉर्मेंस होने वाला था। अर्देश चाहकर भी अपने एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पा रहा था। इस बार उसके शो द एक्स फाइल्स की व्यूअरशिप रेटिंग्स आसमान को छूने वाली थी। शायद इस बार उसके शो को जो व्यूअरशिप मिलती वो टीवी रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डालती। वेदांत अभी भी वहां मौजूद था। उसने तुरंत कहा, चूंकि ये द एक्स फाइल्स का फिनाले एपिसोड होगा, हम इसे एक स्पेशल एपिसोड बना देंगे जिसकी ड्यूरेशन नॉर्मल से ज्यादा होगी। हम शो के रिकॉर्डिंग के बाद बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करेंगे ताकि हम शो के ब्रॉडकास्टिंग टाइम को उनके शो के साथ मिलकर सेटल कर सकें। हम बाकी के शो जो कि द एक्स फाइल्स के टाइम स्लॉट से पहले और बाद में दिखाए जाते हैं, उन्हें थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं ताकि द एक्स फाइल्स के फिनाले को प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग टाइम मिल सके। चूंकि द एक्स फाइल्स मैक्स ओके चैनल का सबसे अच्छा शो था, इसलिए अर्देश की वैल्यू हमेशा से वेदांत की नजर में काफी ऊपर की रही थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब चैनल की तरफ से उसे 100% सपोर्ट दिया जा रहा था। इस वक्त अर्देश दिल ही दिल में काफी प्राउड फील कर रहा था। शाहिद, जो कि द एक्स फाइल्स का होस्ट था, उसे भी गोस्वामी के उसके शो में पार्ट लेने की खबर मिल चुकी थी। वो तेजी से ढूंढता हुआ ड्रेसिंग रूम में आया। हेलो वेदांत सर, हेलो हेलो मिस्टर गोस्वामी। गोस्वामी को देखते ही शाहिद की आवाज लड़खड़ा गई। वो बिल्कुल वैसे ही एक्साइटेड हो गया जैसे अभी कुछ पल पहले अर्देश एक्साइटेड हो रहा था। गोस्वामी उसे देखकर मुस्कुरा उठा। हेलो, मैं शाहिद हूँ, द एक्स फाइल्स का होस्ट। एक होस्ट होने के बाद भी आज शाहिद की आवाज लड़खड़ाने से बाज नहीं आ रही थी। मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे कृतिका के साथ इस शो में आना था, इसलिए मैंने शो के कुछ एपिसोड्स
पहले से देख लिए ताकि शो में एक्चुअल में क्या होता है उसे मैं ढंग से समझ सकूं। गोस्वामी ने अपनी बात एक्सप्लेन की। शाहिद हैरानी में कृतिका को देखने लग गया। ये क्या हो रहा है? क्या गोस्वामी कृतिका के इतने क्लोज है? विक्रम भी गोस्वामी की बात सुनकर हैरान हो गया। निर्जला की ही तरह उसने भी गोस्वामी को लेकर यही सोचा था कि उसे द एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम ने यहाँ इनवाइट किया है और उसे शो में लाने के लिए उन्हें पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा होगा। गोस्वामी को मैक्स ओके चैनल के अलावा यहाँ कोई बुला ही नहीं सकता था। लेकिन गोस्वामी की बातों पर गौर किया जाए तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे द एक्स फाइल्स या मैक्स ओके चैनल ने नहीं बल्कि कृतिका ने यहाँ इनवाइट किया था। क्या सच में वो कृतिका का मिस्ट्री गेस्ट था? निर्जला के चेहरे के एक्सप्रेशन तेजी से बदलते जा रहे थे। वो एक टक अर्देश को घूरने लगी, तब तक जब तक कि अर्देश को ये एहसास नहीं हो गया कि कोई उसे घूर रहा है। अर्देश निर्जला को देख कंफ्यूज हो गया। वो लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही थी? वो उसे ऐसे घूर रही थी मानो वो उससे ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो उसे कुछ कहेगा या उसे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देगा। अर्देश को नहीं पता था कि निर्जला उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है, लेकिन उसे ये याद था कि गोस्वामी ने उससे क्या कहा था। इसलिए सबके सामने उसने अपने शो के होस्ट शाहिद से कहा, शाहिद जब आज के एपिसोड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कृतिका और गोस्वामी सर के परफॉर्मेंस के दौरान शो का फोकस ज्यादा से ज्यादा कृतिका पर हो। ध्यान रहे कि गोस्वामी सर एक मिस्ट्री गेस्ट हैं और कृतिका अपने परफॉर्मेंस की मेन लीड। गोस्वामी सर नहीं चाहते हैं कि शो का स्पॉटलाइट उन पर हो। साथ ही गोस्वामी सर आज यहाँ एक लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी देंगे। एपिसोड की लेंथ की चिंता ना करें, हम रिकॉर्डिंग के बाद फिनाले एपिसोड की ड्यूरेशन को सेटल करेंगे, अर्देश ने कहा। वेदांत सर ने कहा है कि हमारे शो द एक्स फाइल्स का फिनाले एपिसोड एक एक्सटेंडेड एपिसोड होगा और हम दूसरे शोज को अपने फिनाले एपिसोड के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहेंगे। इसलिए शाहिद आपको शो के टेम्पो को अच्छे से मेंटेन करना है। टाइम की कमी जैसी कोई चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। निर्जला ये सुन थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी किस्मत आज उसके साथ होगी। फिनाले एपिसोड जिसमें वो भी पार्ट ले रही थी उसका ब्रॉडकास्टिंग टाइम बढ़ाया जा रहा था। गोस्वामी के शो में होने की वजह से शो की व्यूअरशिप भी आसमान छूने वाली थी। ऐसे में उसके पास भी एक मौका था खुद की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने का। प्रशांत जो कि ड्रेसिंग रूम में ही एक कोने में खड़ा था, निर्जला के एक्साइटेड लुक को देख ये सोचने लगा कि इस लड़की को अभी तक पूरी सिचुएशन ढंग से समझ नहीं आई है। दरअसल शो की ब्रॉडकास्टिंग टाइम को इसलिए बढ़ाया जा रहा था क्योंकि आज के एपिसोड का हिस्सा खुद गोस्वामी था, यानी कि एपिसोड को मिलने वाले एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम सिर्फ गोस्वामी के लिए थी, ना कि बाकी एक्टर्स के लिए। हाँ, पर चूंकि गोस्वामी कृतिका के कारण वहाँ आया था तो उसके साथ कृतिका को भी एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिलने वाला था। रही बात बाकी के एक्टर्स की, तो शो की बढ़ी हुई टाइमिंग से उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला था। लेकिन निर्जला अभी भी काफी एक्साइटेड थी। उसे खुश देख प्रशांत मन ही मन उसकी बेवकूफी पर हंस रहा था। तभी वहाँ मौजूद मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें याद दिलाया, पहले मुझे आप दोनों का मेकअप तो कर लेने दीजिए, बिना मेकअप के आप रिकॉर्डिंग का हिस्सा कैसे बनेंगे? हाँ हाँ, जल्द से जल्द दोनों का मेकअप पूरा करो, अर्देश ने उस मेकअप आर्टिस्ट की हाँ में हाँ मिलाई। गोस्वामी ने ना में अपने हाथ को हिलाया। बस कृतिका का मेकअप करो, मुझे इस मेकअप शेकअप के झमेले से दूर रखो, मुझे ये सब पसंद नहीं। किसी ने भी गोस्वामी की बात को काटने की हिम्मत नहीं की। उसकी जिन रिक्वेस्ट को आसानी से माना जा सकता था उसे मानने में द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन क्रू को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। कोई भी उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता था। अगर वो मेकअप नहीं करवाना चाहता है तो कोई उसके लिए उस पर प्रेशर नहीं डालेगा।
इसलिए बस कृतिका ही उस मेकअप आर्टिस्ट के चेयर पर बैठी। जैसे ही कृतिका का मेकअप पूरा हुआ, वैसे ही वर्गिस, जो कि रिसेप्शन एरिया में होने वाले प्रोसेस को संभालने गया था, वापस आया। आते ही उसने कहा, शो की रिकॉर्डिंग का समय लगभग हो चुका है। 15 मिनट के बाद हम रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। सभी ऑडियंस अपनी अपनी प्रोवाइडेड सीट्स पर बैठ चुके हैं, इसलिए अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इस दौरान सभी ऑडियंस मेंबर आपस में बातें करने में बिजी थे। ये सब क्या हो रहा है? इस बार सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है? हाँ, क्या तुमसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया था? कुछ ऑडियंस अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ वहाँ आए थे और कुछ ऐसे थे जो टिकट लेने की कतार में खड़े होकर बात करते हुए दोस्त बन गए थे। हाँ, मैंने भी वो एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन इस बार के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? पहले तो हमसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया गया, उसके बाद हमसे ये कहा गया कि अगर हम गलती से शो के बारे में एक छोटी सी भी बात लीक करेंगे तो हमें कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। शुरू में तो मेरा मन किया कि मैं इनके टिकट को ही लौटा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कितनी मुश्किल से कतार में खड़े होकर मैंने अपने टिकट हासिल की है, इसे मैं ऐसे कैसे लौटा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मेरा मुंह तो हमेशा शो को लेकर सील रहने वाला है। मैंने पहले भी इस शो को लाइव यहाँ स्टूडियो आकर देखा है। लाइव शो टीवी पर दिखाए जाने वाले शो से थोड़े तो बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा सीन्स देखने को मिलते हैं। जो वर्जन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है उसमें कई चीजें एडिट कर दी जाती हैं। तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तो क्या उस वक्त भी यहाँ की सिक्योरिटी उतनी ही टाइट थी जितनी आज है? क्या तब भी ऑडियंस से उनके फोन्स कलेक्ट कर लिए गए थे? नहीं, ऐसा कुछ पिछली बार तो नहीं हुआ था। मैं तो अपना फोन अपने साथ ही लेकर यहाँ ऑडिटोरियम में आया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी कई बार शो को देखने आए हैं, उनके फोन्स तो कभी कलेक्ट नहीं किए गए। तो फिर ये लोग इस बार इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं? मेरा अंदाजा है कि आज यहाँ कोई सुपर स्पेशल मिस्ट्री गेस्ट आने वाला है, तभी ये स्टूडियो वाले आज इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ऐसा हो तो सकता है, इस शो ने मिस्ट्री गेस्ट को सीक्रेट बनाए रखने की बात पर हमेशा जोर दिया है। शो के इस सीजन में अब तक किसी भी एपिसोड को लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं हुई है, जबकि पहले के सीजन में कुछ कुछ बातें लीक हो जाया करती थी। अच्छा, ये बताओ कि जिस एपिसोड को देखने तुम पिछली बार आए थे, उसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था? हाँ, मेरे ख्याल से वो अपने पिछले सीजन की गलतियों से सबक सीख चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस बार ऑडियंस से ये एग्रीमेंट साइन करवाना शुरू कर दिया है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वो एपिसोड याद है जिसमें पिछली बार कृतिका ने पार्ट लिया था। इंटरनेट पर हर कोई तब यही डिस्कस कर रहा था कि उस एपिसोड में कृतिका का मिस्ट्री गेस्ट कौन है। जिन ऑडियंस ने शो को लाइव देखा था वे इस बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी तब उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था। हाँ, जरूर इसका कारण कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को साइन करना रहा होगा, इसलिए वे लोग तब भी कुछ रिवील नहीं कर पाए होंगे। लेकिन क्या उस एपिसोड में भी ऑडियंस से उनके फोन ले लिए गए थे? हाँ शायद, लेकिन किसी ने भी इस बारे में ऑनलाइन कोई कंप्लेंट नहीं की थी। आज शो को देखकर लौटने के बाद मैं तो डेफिनेटली इस बारे में ऑनलाइन कंप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एकदम नया आईफोन लिया था। तुम सब जानते ही हो कि आईफोन कितना महंगा होता है, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने मेरी एक ना सुनी और मुझसे मेरा फोन ही ले लिया, और ऐसा होने के बाद भी तुम शो देखने चली आई। एकदम पक्की वाली फैन हो यार तुम तो शो की। नहीं, वो बात नहीं है, मैं बस इस सब से थोड़ा क्यूरियस हो गई थी। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ यार, पता नहीं इस बार उन्होंने किसे शो के फिनाले में इनवाइट किया है। वो जरूर कोई खास होगा, तभी इन्होंने आज के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ऑडियंस पर थोप दिए हैं। ठीक इसी पल वेन्यू की लाइट्स डिम कर दी गई। अब बस स्टेज ही रोशनी से जगमगा रहा था। इस कम रोशनी के दौरान ही एक स्टाफ अनुराधा को फ्रंट रो में बीच की एक वीआईपी सीट पर ले आया। ये सब इतने आराम से हुआ कि किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। जल्दी ही शो को शुरू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया। 3, 2, 1। इसके साथ ही स्टेज के ऊपर बने बड़े स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाने लगे, जिसके बाद शो के ओपनिंग सीन को दिखाया गया।
इसके बाद ऑडियंस को बैकस्टेज से एक आवाज सुनाई पड़ी। आइए हम सब स्वागत करते हैं शो के होस्ट शाहिद का। वो बड़ा स्क्रीन दो हिस्सों में बट गया, जो कि स्टेज पर आने वाले रास्ते को दिखला रहा था। शाहिद उस रास्ते से होते हुए स्टेज पर आ गया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड में, जिसे स्पॉन्सर कर रही है बाग बकरी चाय। मैं हूं आपका होस्ट द वन एंड ओनली शाहिद। ऑडियंस को शाहिद की होस्टिंग पसंद थी, उन्होंने जोर से तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये द एक्स फाइल्स के इस सीजन का फिनाले एपिसोड है, तो इसे आप सबके लिए खास बनाते हुए हम आज के एपिसोड की टाइमिंग को एक घंटे से बढ़ाकर दो घंटे का कर रहे हैं। ये सुनते ही ऑडियंस शॉक्ड हो गई। दो घंटे? ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? शायद प्रोडक्शन टीम ने इस बार कुछ खास तैयारियां की हैं। अब तो मैं ये जानने के लिए बेताब हो गई हूँ कि आज कौन कौन से मिस्ट्री गेस्ट शो में आने वाले हैं। पहले हम वेलकम करते हैं शो के पिछले सीजन की बेस्ट टीम का, शाहिद ने कहा। इसके बाद पिछले सीजन के कुछ चुनिंदा एक्टर्स स्टेज पर आ गए। उन्होंने बारी बारी से खुद को इंट्रोड्यूस भी किया। तो चलिए अब वेलकम करते हैं पिछले सीजन की बेस्ट टीम को चैलेंज करने वाली इस सीजन की टीम का, जिसके मेंबर हैं निर्जला, कृतिका, प्रशांत, विक्रम। वे चारों एक सीक्वेंस में स्टेज पर आ गए। कृतिका के खुद के बाद स्टेज पर आने की बात से निर्जला काफी नाराज हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। शो के शुरुआती सेगमेंट्स काफी सिंपल थे, उसमें करने के लिए कुछ खास नहीं था। विक्रम की स्टाइलिश इमेज और फ्लोटिंग स्किल्स बुरी नहीं थी, जिससे ऑडियंस मेंबर्स में मौजूद लड़कियां खुशी के मारे जोर जोर से उसके नाम को रह रह कर पुकारती रही। लेकिन गोस्वामी की बातों पर गौर किया जाए तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे द एक्स फाइल्स या मैक्स ओके चैनल ने नहीं बल्कि कृतिका ने यहाँ इनवाइट किया था। क्या सच में वो कृतिका का मिस्ट्री गेस्ट था? निर्जला के चेहरे के एक्सप्रेशन तेजी से बदलते जा रहे थे। वो एक टक अर्देश को घूरने लगी, तब तक जब तक कि अर्देश को ये एहसास नहीं हो गया कि कोई उसे घूर रहा है। अर्देश निर्जला को देख कंफ्यूज हो गया। वो लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही थी? वो उसे ऐसे घूर रही थी मानो वो उससे ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो उसे कुछ कहेगा या उसे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देगा। अर्देश को नहीं पता था कि निर्जला उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है, लेकिन उसे ये याद था कि गोस्वामी ने उससे क्या कहा था। इसलिए सबके सामने उसने अपने शो के होस्ट शाहिद से कहा, शाहिद, जब आज के एपिसोड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कृतिका और गोस्वामी सर के परफॉर्मेंस के दौरान शो का फोकस ज्यादा से ज्यादा कृतिका पर हो। ध्यान रहे कि गोस्वामी सर एक मिस्ट्री गेस्ट हैं और कृतिका अपने परफॉर्मेंस की मेन लीड। गोस्वामी सर नहीं चाहते हैं कि शो का स्पॉटलाइट उन पर हो। साथ ही गोस्वामी सर आज यहाँ एक लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी देंगे। एपिसोड की लेंथ की चिंता ना करें, हम रिकॉर्डिंग के बाद फिनाले एपिसोड की ड्यूरेशन को सेटल करेंगे, अर्देश ने कहा। वेदांत सर ने कहा है कि हमारे शो द एक्स फाइल्स का फिनाले एपिसोड एक एक्सटेंडेड एपिसोड होगा और हम दूसरे शोज को अपने फिनाले एपिसोड के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहेंगे। इसलिए शाहिद, आपको शो के टेम्पो को अच्छे से मेंटेन करना है। टाइम की कमी जैसी कोई चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। निर्जला ये सुन थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी किस्मत आज उसके साथ होगी। फिनाले एपिसोड जिसमें वो भी पार्ट ले रही थी, उसका ब्रॉडकास्टिंग टाइम बढ़ाया जा रहा था। गोस्वामी के शो में होने की वजह से शो की व्यूअरशिप भी आसमान छूने वाली थी। ऐसे में उसके पास भी एक मौका था खुद की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने का। प्रशांत, जो कि ड्रेसिंग रूम में ही एक कोने में खड़ा था, निर्जला के एक्साइटेड लुक को देख ये सोचने लगा कि इस लड़की को अभी तक पूरी सिचुएशन ढंग से समझ नहीं आई है। दरअसल शो की ब्रॉडकास्टिंग टाइम को इसलिए बढ़ाया जा रहा था
क्योंकि आज के एपिसोड का हिस्सा खुद गोस्वामी था, यानी कि एपिसोड को मिलने वाले एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम सिर्फ गोस्वामी के लिए थी, ना कि बाकी एक्टर्स के लिए। हाँ, पर चूंकि गोस्वामी कृतिका के कारण वहाँ आया था तो उसके साथ कृतिका को भी एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिलने वाला था। रही बात बाकी के एक्टर्स की, तो शो की बढ़ी हुई टाइमिंग से उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला था। लेकिन निर्जला अभी भी काफी एक्साइटेड थी। उसे खुश देख प्रशांत मन ही मन उसकी बेवकूफी पर हंस रहा था। तभी वहां मौजूद मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें याद दिलाया, पहले मुझे आप दोनों का मेकअप तो कर लेने दीजिए, बिना मेकअप के आप रिकॉर्डिंग का हिस्सा कैसे बनेंगे? हाँ हाँ, जल्द से जल्द दोनों का मेकअप पूरा करो, अर्देश ने उस मेकअप आर्टिस्ट की हाँ में हाँ मिलाई। गोस्वामी ने ना में अपने हाथ को हिलाया, बस कृतिका का मेकअप करो, मुझे इस मेकअप शेकअप के झमेले से दूर रखो, मुझे ये सब पसंद नहीं। किसी ने भी गोस्वामी की बात को काटने की हिम्मत नहीं की। उसकी जिन रिक्वेस्ट को आसानी से माना जा सकता था, उसे मानने में द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन क्रू को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। कोई भी उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता था। अगर वो मेकअप नहीं करवाना चाहता है तो कोई उसके लिए उस पर प्रेशर नहीं डालेगा। इसलिए बस कृतिका ही उस मेकअप आर्टिस्ट के चेयर पर बैठी। जैसे ही कृतिका का मेकअप पूरा हुआ, वैसे ही वर्गिस, जो कि रिसेप्शन एरिया में होने वाले प्रोसेस को संभालने गया था, वापस आया। आते ही उसने कहा, शो की रिकॉर्डिंग का समय लगभग हो चुका है, 15 मिनट के बाद हम रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। सभी ऑडियंस अपनी अपनी प्रोवाइडेड सीट्स पर बैठ चुके हैं, इसलिए अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इस दौरान सभी ऑडियंस मेंबर आपस में बातें करने में बिजी थे। ये सब क्या हो रहा है, इस बार सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है? हाँ, क्या तुमसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया था? कुछ ऑडियंस अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ वहां आए थे और कुछ ऐसे थे जो टिकट लेने की कतार में खड़े होकर बात करते हुए दोस्त बन गए थे। हाँ, मैंने भी वो एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन इस बार के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? पहले तो हमसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया गया, उसके बाद हमसे ये कहा गया कि अगर हम गलती से शो के बारे में एक छोटी सी भी बात लीक करेंगे तो हमें कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। शुरू में तो मेरा मन किया कि मैं इनके टिकट को ही लौटा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कितनी मुश्किल से कतार में खड़े होकर मैंने अपने टिकट हासिल की है, इसे मैं ऐसे कैसे लौटा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मेरा मुंह तो हमेशा शो को लेकर सील रहने वाला है। मैंने पहले भी इस शो को लाइव यहाँ स्टूडियो आकर देखा है। लाइव शो टीवी पर दिखाए जाने वाले शो से थोड़े तो बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा सीन्स देखने को मिलते हैं। जो वर्जन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है उसमें कई चीजें एडिट कर दी जाती हैं। तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तो क्या उस वक्त भी यहाँ की सिक्योरिटी उतनी ही टाइट थी जितनी आज है? क्या तब भी ऑडियंस से उनके फोन्स कलेक्ट कर लिए गए थे? नहीं, ऐसा कुछ पिछली बार तो नहीं हुआ था। मैं तो अपना फोन अपने साथ ही लेकर यहाँ ऑडिटोरियम में आया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी कई बार शो को देखने आए हैं, उनके फोन्स तो कभी कलेक्ट नहीं किए गए। तो फिर ये लोग इस बार इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं? मेरा अंदाजा है कि आज यहाँ कोई सुपर स्पेशल मिस्ट्री गेस्ट आने वाला है, तभी ये स्टूडियो वाले आज इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ऐसा हो तो सकता है, इस शो ने मिस्ट्री गेस्ट को सीक्रेट बनाए रखने की बात पर हमेशा जोर दिया है। शो के इस सीजन में अब तक किसी भी एपिसोड को लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं हुई है, जबकि पहले के सीजन में कुछ कुछ बातें लीक हो जाया करती थी। अच्छा, ये बताओ कि जिस एपिसोड को देखने तुम पिछली बार आए थे उसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था? हाँ, मेरे ख्याल से वो अपने पिछले सीजन की गलतियों से सबक सीख चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस बार ऑडियंस से ये एग्रीमेंट साइन करवाना शुरू कर दिया है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वो एपिसोड याद है जिसमें पिछली बार कृतिका ने पार्ट लिया था। इंटरनेट पर हर कोई तब यही डिस्कस कर रहा था कि उस एपिसोड में कृतिका का मिस्ट्री गेस्ट कौन है। जिन ऑडियंस ने शो को लाइव देखा था वे इस बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी तब उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था। हाँ, जरूर इसका कारण कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को साइन करना रहा होगा,
इसलिए वे लोग तब भी कुछ रिवील नहीं कर पाए होंगे। लेकिन क्या उस एपिसोड में भी ऑडियंस से उनके फोन ले लिए गए थे? हाँ शायद, लेकिन किसी ने भी इस बारे में ऑनलाइन कोई कंप्लेंट नहीं की थी। आज शो को देखकर लौटने के बाद मैं तो डेफिनेटली इस बारे में ऑनलाइन कंप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एकदम नया आईफोन लिया था। तुम सब जानते ही हो कि आईफोन कितना महंगा होता है, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने मेरी एक ना सुनी और मुझसे मेरा फोन ही ले लिया। और ऐसा होने के बाद भी तुम शो देखने चली आई? एकदम पक्की वाली फैन हो यार तुम तो शो की। नहीं वो बात नहीं है, मैं बस इस सब से थोड़ा क्यूरियस हो गई थी। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ यार, पता नहीं इस बार उन्होंने किसे शो के फिनाले में इनवाइट किया है। वो जरूर कोई खास होगा, तभी इन्होंने आज के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ऑडियंस पर थोप दिए हैं। ठीक इसी पर वेन्यू की लाइट्स डिम कर दी गई। अब बस स्टेज ही रोशनी से जगमगा रहा था। इस कम रोशनी के दौरान ही एक स्टाफ अनुराधा को फ्रंट रो में बीच की एक वीआईपी सीट पर ले आया। ये सब इतने आराम से हुआ कि किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। जल्दी ही शो को शुरू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया। 3, 2, 1। इसके साथ ही स्टेज के ऊपर बने बड़े स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाने लगे, जिसके बाद शो के ओपनिंग सीन को दिखाया गया। इसके बाद ऑडियंस को बैक स्टेज से एक आवाज सुनाई पड़ी। आइए हम सब स्वागत करते हैं शो के होस्ट शाहिद का। वो बड़ा स्क्रीन दो हिस्सों में बट गया, जो कि स्टेज पर आने वाले रास्ते को दिखला रहा था। शाहिद उस रास्ते से होते हुए स्टेज पर आ गया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड में, जिसे स्पॉन्सर कर रही है बाग बकरी चाय। मैं हूं आपका होस्ट द वन एंड ओनली शाहिद। ऑडियंस को शाहिद की होस्टिंग पसंद थी, उन्होंने जोर से तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये द एक्स फाइल्स के इस सीजन का फिनाले एपिसोड है, तो इसे आप सबके लिए खास बनाते हुए हम आज के एपिसोड की टाइमिंग को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे का कर रहे हैं। ये सुनते ही ऑडियंस शॉक्ड हो गई। 2 घंटे? ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? शायद प्रोडक्शन टीम ने इस बार कुछ खास तैयारियां की हैं। अब तो मैं ये जानने के लिए बेताब हो गई हूँ कि आज कौन कौन से मिस्ट्री गेस्ट शो में आने वाले हैं। पहले हम वेलकम करते हैं शो के पिछले सीजन की बेस्ट टीम का, शाहिद ने कहा। इसके बाद पिछले सीजन के कुछ चुनिंदा एक्टर्स स्टेज पर आ गए। उन्होंने बारी बारी से खुद को इंट्रोड्यूस भी किया। तो चलिए अब वेलकम करते हैं पिछले सीजन की बेस्ट टीम को चैलेंज करने वाली इस सीजन की टीम का, जिसके मेंबर हैं निर्जला, कृतिका, प्रशांत, विक्रम। वे चारों एक सीक्वेंस में स्टेज पर आ गए। कृतिका के खुद के बाद स्टेज पर आने की बात से निर्जला काफी नाराज हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। शो के शुरुआती सेगमेंट्स काफी सिंपल थे, उसमें करने के लिए कुछ खास नहीं था। विक्रम की स्टाइलिश इमेज और फ्लोटिंग स्किल्स बुरी नहीं थी, जिससे ऑडियंस मेंबर्स में मौजूद लड़कियां खुशी के मारे जोर जोर से उसके नाम को रह रह कर पुकारती रही। कृतिका चूंकि पहले भी शो में आ चुकी थी, इसलिए स्टेज पर आने के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये उसके लिए बाकियों से आसान था। उसने ऑडियंस को जरा भी निराश नहीं किया। प्रशांत पेशे से एक कॉमेडियन था, उसकी बातें और उसकी पंच लाइन्स लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे रही थी। रही बात निर्जला की, तो वो स्टेज पर आकर कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करना चाहती थी। उसने एक अच्छी एक्ट्रेस होने के अपने इमेज को स्टेज पर भी मेंटेन रखना चाहा। इस वजह से वो ऑडियंस को कुछ खास एंटरटेन नहीं कर पाई। ये निर्जला क्या कर रही है? बात चाहे इस शो को लाइव देखने की हो या बाद में टीवी पर, हम कहीं भी निर्जला के सेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं इस लड़की को देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। देखो तो कितनी बोरिंग है ये, एक गेम खेलने में भी इसे अपनी इमेज की चिंता है। हाँ तुम सही कह रही हो, कृतिका को देखो, वो निर्जला से कहीं ज्यादा सुंदर है, फिर भी वो कितनी तेजी से इधर उधर भाग रही है। उसे अपने मेकअप के खराब होने की भी चिंता नहीं है।
खैर, स्टेज पर होने वाले छोटे मोटे गेम्स में निर्जला ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो एक्टिंग डिपार्टमेंट में अच्छी थी। जब शो में एक्टिंग के पोर्शन आए तो निर्जला ने ऑडियंस को निराश नहीं किया। चलिए अब हम एक छोटे से एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, 5 मिनट के बाद शो को आगे बढ़ाया जाएगा। शाहिद ने कहा, फाइनली मिस्ट्री गेस्ट सेगमेंट आखिर आ ही गया। एक ऑडियंस मेंबर खुशी से चिल्लाया, मेरे तो दिल की धड़कन अभी से बढ़ने लग गई है, पता नहीं आज हमें कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। मेरा हाल भी तुम्हारी तरह ही है। पहले वाली लड़की की दोस्त जो उसके बगल में बैठी थी, उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, द एक्स फाइल के इस सीजन में हमें सबसे बड़ा सरप्राइज कृतिका ने दिया था, पता नहीं इस बार वो हमें कौन सा सरप्राइज देने वाली है। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस बार वो किसी बड़े नाम वाले सेलिब्रिटी को शो में नहीं ला पाएगी। पिछली बार उसने सोचा ही नहीं होगा कि द एक्स फाइल्स का प्रोडक्शन क्रू उसे दोबारा से शो में इनवाइट करेगा, इसलिए पिछली बार वो अपने साथ 3-3 स्पेशल मिस्ट्री गेस्ट को शो में ले आई थी। ये एक बड़ी बेवकूफी का काम किया था उसने। उसे उन तीनों में से किसी एक को पिछली बार शो में नहीं लाना चाहिए था। अगर वो ऐसा करती तो इस बार उस तीसरे सेलिब्रिटी को वो यहाँ अपने साथ ला सकती थी। मुझे भी ऐसा ही कुछ कुछ लगता है। पिछली बार जो भौकाल उसने खड़ा किया था वो काफी कमाल का था, इसलिए इस बार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस उसे लेकर काफी हाई हो गए होंगे। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो इंडस्ट्री में नई है और उसके कनेक्शंस ज्यादा लोगों से नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिवाकर और तलपेश टॉप लेवल के सेलिब्रिटीज हैं। उनके स्टेटस के बराबर के किसी सेलिब्रिटी को इस बार शो में लाना कृतिका के लिए नामुमकिन सा होगा। ये तो हम सब मानते हैं कि द एक्स फाइल्स के इस सीजन का तीसरा एपिसोड शो के सभी सीजन्स का सबसे बेस्ट एपिसोड था। कृतिका की कैलकुलेशन में थोड़ी कमी रह गई। दिवाकर और तलपेश दोनों ही डायरेक्टर्स हैं। ऐसे में कृतिका को पिछली बार उन दोनों में से बस किसी एक को सूरज के साथ द एक्स फाइल्स में लाना चाहिए था। इस तरह से दूसरे डायरेक्टर को वो इस बार शो में फिनाले में ला सकती थी। इससे जो हाइप उसने पिछली बार शो के तीसरे एपिसोड को दी थी, वही हाइप वो इस बार शो के फिनाले को दे पाती। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखो, पिछली बार कृतिका से हमारी उम्मीदें कुछ खास बड़ी नहीं थी, इसलिए दिवाकर और तलपेश के उसके साथ शो में आने से हम पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। जिस मिसकैलकुलेशन की तुम बात कर रहे हो, अगर कृतिका ने उसे तुम्हारे कहे अनुसार कैलकुलेट किया भी होता तो भी इस बार वो हमें उतना सरप्राइज नहीं कर पाती जितना पिछली बार हमें किया था। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कृतिका से भी कभी कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है। मैं तो यही सोचते आई हूँ कि वो इतनी स्मार्ट है कि उससे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। अरे कृतिका भी एक इंसान ही है, अब गलतियां इंसान से नहीं होंगी तो किससे होंगी। मेरे हिसाब से आज के एपिसोड में जो सेलिब्रिटी अपने साथ सबसे हाई प्रोफाइल मिस्ट्री गेस्ट को लाएगा वो विक्रम होगा। वो इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से है। उसका नाम ए लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे में उसका लाया गया मिस्ट्री गेस्ट निश्चित ही सबसे खास होगा। देखो देखो, वो 5 मिनट का ब्रेक खत्म हो गया। एक ऑडियंस ने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एडवर्टीजमेंट के खत्म होने पर कहा। इसके ठीक बाद शाहिद स्टेज पर आया और उसने ऑडियंस को एक बार फिर से वेलकम किया। वेलकम बैक। अब हम अपने शो के लास्ट सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ मिस्ट्री गेस्ट को शुरू करेंगे। चलिए पहले हम स्टेज पर बुलाते हैं निर्जला और विभव को। निर्जला और विभव को एक साथ देख ऑडियंस थोड़ा शॉक्ड हो गई। जो भी ऑडियंस शो को लाइव देखने के लिए आए थे वो शो के लॉयल फैंस थे। उन्हें द एक्स फाइल्स की रूटीन प्रोसेस पता थी। जो सेलिब्रिटी गेस्ट और उसका मिस्ट्री गेस्ट सबसे खास होता था, उसके पेयर को शो के सबसे आखिर यानी कि फिनाले में स्टेज पर बुलाया जाता था। जिस पेयर को सबसे पहले बुलाया जाता था वो सबसे कम प्रभावी होने वाला था। लेकिन विभव एक जाना माना एक्टर था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसे
सबसे पहले परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर बुलाया जाएगा। ऑडियंस को लग रहा था कि स्टेज पर सबसे पहले कृतिका को बुलाया जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृतिका का मिस्ट्री गेस्ट वैभव से बेहतर है? ऑडियंस के शॉक होने का प्रोसेस आगे भी जारी था जब उन्होंने सोचा कि निर्जला के बाद कृतिका अपने मिस्ट्री गेस्ट के साथ स्टेज पर आएगी, तो उसकी जगह प्रशांत और उसके मिस्ट्री गेस्ट को स्टेज पर बुलाया गया था। ऑडियंस को लगा कि शायद कृतिका को अपने मिस्ट्री पार्टनर के साथ स्टेज पर सेकेंड टू लास्ट सेलिब्रिटी बुलाया जाएगा, जो कि विक्रम को होना चाहिए था। लेकिन प्रशांत के स्टेज से जाने के बाद शाहिद ने विक्रम और उसके मिस्ट्री पार्टनर अभिलाष को स्टेज पर बुलाया। ये हो क्या रहा है? क्या विक्रम फिनाले परफॉर्मेंस नहीं देगा? ये फिनाले परफॉर्मेंस कृतिका देने वाली है? उसने किसे अपने मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर ढूंढा है? क्या उसका मिस्ट्री पार्टनर दिवाकर और तल्पेश से भी बेहतर है? ये तो कमाल की बात होगी। आखिर कृतिका ऐसा कर कैसे पाई? वो सब छोड़ो, देखो अब विक्रम अभिलाष के साथ अपनी परफॉर्मेंस देने वाला है। ऑडियंस अभी भी विक्रम की परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक्साइटेड थी, इसलिए अपने अपने मन में उठ रहे सवालों को वो भूल सब विक्रम और अभिलाष के परफॉर्मेंस को देखने में बिजी हो गए। उन दोनों ने ही अपने परफॉर्मेंस से किसी को निराश नहीं किया। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई, ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाकर उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। शुरू में ऑडियंस ने निर्जला और वैभव की परफॉर्मेंस को देख उनकी तारीफ में भी काफी जोर से तालियां बजाई थी। उन दोनों की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑडियंस को यही लगा कि उन्होंने एक अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जब उन लोगों ने विक्रम और अभिलाष की परफॉर्मेंस देखी तो उन्हें समझ में आया कि निर्जला ने कुछ खास अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अच्छा हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस विक्रम से पहले हो गई थी, नहीं तो ऑडियंस उसके लिए जोरदार तालियां तो बिल्कुल भी नहीं बजाते। पता नहीं कृतिका इस बार किसे अपने साथ लेकर आई है। विक्रम की परफॉर्मेंस के बाद कृतिका का परफॉर्म करना मेरे ख्याल से उसके लिए घाटे का सौदा है। मुझे नहीं लगता कि विक्रम की परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें किसी और की परफॉर्मेंस पसंद आएगी। सही कहा, विक्रम ने कमाल की एक्टिंग की। इन बातों के बीच शाहिद वापस स्टेज पर आ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शाहिद थोड़ा डरा हुआ है? हाँ, शाहिद तो हमेशा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लगता है, आज ये कांप क्यों रहा है? क्या बात है, तुम इतना कुछ कैसे ऑब्जर्व कर गए? फाइनली कांपते हुए शाहिद ने अगली अनाउंसमेंट की। अब हम स्टेज पर स्वागत करते हैं अपने चौथे पेयर का। ये कहते हुए घबराहट के साथ साथ शाहिद इतना एक्साइटेड था कि स्टेज से उतरते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए, मानो वो चलना भी भूल गया है। अगले ही पल स्टेज पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। स्टूडियो स्टाफ ने स्टेज पर अंधेरे में आकर तेजी से सारे प्रॉप्स बदल दिए। लाइट के वापस आने से पहले ही ऑडियंस को स्टेज से गिटार की मीठी सी धुन सुनाई देने लगी। वाओ, ये धुन कितनी मीठी है ना? क्या कोई लाइव गिटार परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या ये धुन किसी गाने का साउंडट्रैक है? पता नहीं, मैं म्यूजिक में उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि ये धुन सुनने में बहुत मीठी और प्यारी लग रही है। हाँ, ये धुन सुनने के साथ मेरा मन तो इस पर हौले हौले झूमने का कर रहा है। ये धुन तो मुझे मेरे पहले प्यार की याद दिला रही है। इसके तुरंत बाद एक सिंगल स्पॉटलाइट स्टेज पर उभरी। देखो कृतिका, फ्लैशलाइट ने स्टेज पर आई कृतिका पर सबका ध्यान खींच लिया। वो दिखने में हर बार की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी। स्पॉटलाइट ने उसके बगल में भी हल्का सा फोकस किया, लेकिन किसी को वहां कोई दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले ही पल स्पॉटलाइट का सारा फोकस फिर से कृतिका पर आ गया। कृतिका अकेली क्यों है? उसके साथ उसका मिस्ट्री पार्टनर भी तो होना चाहिए था ना? ऑडियंस पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। ठीक अगले ही पल ऑडियंस को कृतिका की आवाज सुनाई दी। मैं तुमसे अपने सबसे अच्छे पल में मिली थी, उस दिन से ही तुम मेरे लकी स्टार बन गए। बदकिस्मती से मेरे पास अब और समय नहीं है
किसी को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन अब मैं किसी और को भी पसंद करना बंद कर रही हूँ। कृतिका अपने डायलॉग्स को बोलने के साथ साथ उसे अपनी आंखों से एक्सप्रेस भी कर रही थी। उसके पीछे बिग स्क्रीन पर ऑडियंस ये बात साफ साफ देख सकती थी। इसके साथ ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल भी होनी शुरू हो चुकी थी। उसका चेहरा भले ही शांत लग रहा था, वो अपने इमोशंस को भी दबा रही थी। उस सीन में उसने अपने प्यार का इजहार किया था जिसे वो पा नहीं सकती थी। कृतिका के यूथफुल फेस पर उसका डिलेमा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ झलक रही थी, मानो वो न बयां कर सकने वाले दर्द में हो। स्टेज की सराउंडिंग पूरी तरह से ब्लैक थी। कृतिका को देखकर ऑडियंस को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पेंटिंग से निकलकर बाहर आ रही थी। उसकी खूबसूरती को देख सबकी सांस अटक सी गई थी। फाइनली उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद छलक कर बाहर उसके गालों पर आ गई, लेकिन उसके एक्सप्रेशन पहले की तरह शांत रहे। उसके बाद उसने अपने सिर को नीचे झुकाया और फिर अपनी उदासी को अपनी आंखों में छिपा लिया। उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन शो अभी भी आगे चल रहा था। स्टेज पर की लाइट्स अभी भी वापस नहीं आई थी। ऑडियंस कंफ्यूज से हो गए। क्या बात है, क्या कृतिका की परफॉर्मेंस अभी भी खत्म नहीं हुई है? और उसके साथ मिस्ट्री गेस्ट कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्ट्री गेस्ट के सेगमेंट में कृतिका अकेले ही शुरू से लेकर अंत तक परफॉर्म करती रह गई? ठीक उसी पल एक दूसरी स्पॉटलाइट स्टेज पर उभरी, जो कि एक कॉर्नर पर फोकस थी। फाइनली तब जाकर ऑडियंस को ये दिखाई दिया कि उस कॉर्नर पर कोई मिडिल एज्ड आदमी गिटार बजा रहा था। कृतिका के स्टेज पर आने से पहले ऑडियंस को एक मीठी धुन सुनाई दे रही थी, जो कि वो मिडिल एज्ड बंदा ही बिना किसी मूवमेंट के अपने गिटार से बजाए जा रहा था। फाइनली गोस्वामी ने थोड़ी मूवमेंट की। वो धीरे धीरे चलते हुए स्टेज के सेंटर पर आ गया, जहां कृतिका खड़ी थी। उसने गिटार से वो धुन बजानी अभी भी बंद नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बंदे को कहीं देखा है? हाँ, मुझे भी कुछ कुछ ये जाना पहचाना सा लग रहा है। हे, मैं इन्हें पहचानती हूँ, एक जवान लड़की जोर से चिल्लाई। उसके बगल में खड़ा बंदा उस लड़की के चिल्लाने से एकदम से डर गया। हे, आराम से यार, तुमने तो मुझे डराई दिया। हमें भी बताओ कृतिका के साथ स्टेज पर कौन है? वो गोस्वामी है। वो जवान लड़की एक्साइटमेंट में कांपने लगी। मैं खुद भी एक गिटारिस्ट हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे म्यूजिक गुरु गोस्वामी की लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अपनी बात पूरी करते ही वो लड़की रोने लगी। उस लड़की के साथ आई उसकी दोस्त ने अपना रुमाल तुरंत उस लड़की को दिया। वो अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, अपनी आगे की स्टडीज के लिए मैं ओवरसीज जाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि विदेश में जब मुझे मौका मिलेगा, तब मैं गोस्वामी सर के लाइव कॉन्सर्ट को जरूर अटेंड करूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या स्टेज पर सच में म्यूजिशियन गोस्वामी मौजूद है? किसी दूसरे ऑडियंस मेंबर ने हैरानी से सवाल किया। ऑफ कोर्स, वो वही है, वो मेरे आइडल हैं। उनकी कुछ बिग साइज पिक्चर्स मेरे कमरे में मौजूद हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? तुम्हारी बात सही है, हम सबको ही शुरुआत से गिटार की बजती धुन बहुत पसंद आ रही थी। मुझे याद है कि जिस फिल्म में इस धुन का इस्तेमाल किया गया है, वो पियानो पर बजाया गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये धुन गिटार से बजाई जाने के बाद भी जरा भी खराब नहीं लगी। सच कहूँ तो ये पियानो से बजाई गई धुन से तो अच्छी खासी बेहतर थी। तुम सही कह रही हो, गिटार से बजी इस धुन ने फिल्म के ओरिजिनल म्यूजिक को फेल कर दिया। फाइनली वो म्यूजिक परफॉर्मेंस खत्म हुई और पूरे स्टेज पर रोशनी छा गई। शाहिद तेजी से भागते हुए स्टेज पर आया और एक्साइटमेंट में बोला, आप लोगों का अंदाजा सही है, हमारे आखिरी मिस्ट्री गेस्ट और कोई नहीं बल्कि खुद द वन एंड ओनली म्यूजिशियन गोस्वामी है। शाहिद जैसे खुद इस वक्त किसी फैन की तरह चिल्ला रहा था।
हे भगवान, ये तो सच में गोस्वामी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कृतिका ने गोस्वामी को कैसे इस शो में आने के लिए इनवाइट कर लिया। मेरी आंखों से भी खुशी के मारे आंसू छलकने लगे हैं। आखिर कृतिका ऐसा कैसे कर पाई, मुझे तो वो लड़की आम इंसान लगती ही नहीं है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी वो हमारी सोच से आगे निकल गई। शाहिद ने खुशी से झूमते हुए ऑडियंस को गोस्वामी से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे भरोसा है कि म्यूजिक गुरु गोस्वामी को हमारे स्टेज पर देख आप सब भौचक के रह गए होंगे। सच कहूं, जितना हैरानी इन्हें देखकर आप सबको हो रही है, उससे कहीं ज्यादा हैरान तो मैं हूँ। शाहिद की इस बात पर ऑडियंस को हंसना चाहिए था, लेकिन वो सब इस कदर हैरान थे कि किसी के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। वो सब अपनी आंखें फैलाए स्टेज पर मौजूद गोस्वामी को देख रहे थे। शाहिद की बात सुन फिलहाल उनमें से कोई भी हंस नहीं रहा था। गोस्वामी सर के आज यहाँ हमारे शो पर आने से हम काफी ऑनर्ड फील कर रहे हैं। उनकी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस ने हमें खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। शाहिद की एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही थी। आपने सही समझा, कृतिका की परफॉर्मेंस के दौरान बैकग्राउंड में बजने वाले धुन शुरुआत से गोस्वामी सर ही बजा रहे थे। शाहिद आगे कहता रहा, आप सब जानते हैं कि गोस्वामी सर ने आज से पहले किसी भी शो में पार्ट नहीं लिया है। एक छोटे से इंटरव्यू के लिए भी वो कभी टीवी पर नजर नहीं आए। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के किसी भी टीवी शो में नजर आए हैं। ये सुनने के बाद ऑडियंस की हैरानी और भी बढ़ गई। उनका दिल भी शाहिद की तरह झूम उठा था। वो सब उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो सभी अपनी सीट पर से खड़े हुए और सभी ने जोरों से गोस्वामी की तारीफ में तालियां बजानी शुरू कर दी। ऑडियंस इस वक्त इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उनके कान तक लाल हो गए थे। फाइनली गोस्वामी ने कुछ कहा, हेलो एवरीवन, आई एम गोस्वामी। उसके खुद का नाम लेने भर से ही ऑडियंस की एक्साइटमेंट पहले से दुगनी हो गई। भगवान का शुक्र है कि मैं आज यहाँ आई। अगर मेरा आईफोन मुझे वापस नहीं भी लौटाया गया तो अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जिस प्राइस में गोस्वामी के लाइव कॉन्सर्ट की टिकट विदेशों में मिलती है, उसके सामने मेरा आईफोन काफी सस्ता है। आज के एपिसोड को लाइव देखने के लिए मुझे बस 2,000 रुपए ही तो खर्च करने पड़े। इतने पैसे में तो ओवरसीज गोस्वामी के कॉन्सर्ट में मैं पॉपकॉर्न भी नहीं खा पाती। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरे अपने देश में कितने सारे लोग मेरी लाइव परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाए। गोस्वामी ने कहा, इसका कारण मेरी नेग्लिजेंस है, लेकिन अब जब मैं अपने देश वापस आ गया हूँ और हमेशा यहीं रहने वाला हूँ, तो मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में यहाँ इंडिया में मैं अपने लाइव कॉन्सर्ट को जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा। ये सुनने के बाद सभी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और उनकी तालियों की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। शाहिद ने शो को आगे कंटिन्यू किया। अर्देश के कहे अनुसार आज उसे टाइम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कृतिका के मिस्ट्री गेस्ट के रूप में मिस्टर गोस्वामी के यहाँ आने से सिर्फ मैं ही सरप्राइज नहीं हूँ, बल्कि यहाँ मौजूद सभी ऑडियंस भी मेरी ही तरह सरप्राइज्ड हैं। ऑडियंस ने तेज आवाज में हाँ कहकर शाहिद की हाँ में हाँ मिलाई। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि कृतिका ने एक्चुअल में आपसे ऐसा क्या कहा कि आप उसके साथ हमारे शो में आने के लिए राजी हो गए। शाहिद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सवाल किया, आपको इनवाइट करने की बात तो दूर, कृतिका का आपको कांटेक्ट भी कर पाना मुझे एक सदमा दे गया है। उसने मुझसे कुछ खास तो नहीं कहा, इनफैक्ट उसने मुझे शो में आने के लिए इनवाइट तक नहीं किया। उसने मुझे बस ये बताया कि वो द एक्स फाइल्स के फिनाले में अपीयर होने वाली है और उसे एक मिस्ट्री पार्टनर की तलाश है। तो मैंने उससे कहा, किसी को तलाश करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे अपने साथ शो में ले चलो। गोस्वामी हंसते हुए बोला, कृतिका मेरी बेटी है,
शायद इसी वजह से वो ये भूल गई कि मैं भी एक सेलिब्रिटी ही हूँ। मेरी बेटी को जब मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मैं उसके कहे बिना ही उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ गया। गोस्वामी ने बड़ी ही शांति से और आराम से सभी के ऊपर एक बम फोड़ दिया था। ऑडियंस में से कई तो ये सुन अपनी सीट पर से उछल पड़े। ये क्या गोस्वामी ने अभी क्या कहा? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? उसने कहा कि कृतिका उसकी बेटी है। लेकिन कृतिका उसकी बेटी कैसे बन गई? कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है यार कृतिका का, इसलिए तो वो गोस्वामी को अपने साथ शो में ला पाई। अब समझ में आया कि वो किसी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी उलझने से डरती क्यों नहीं है। आखिर उसका पिता गोस्वामी जो है। तुम्हारी बात पूरी तरह से सही नहीं है। कृतिका पिछले 2 साल से किसी न किसी से उलझती आ रही है। उस दौरान तो गोस्वामी इंडिया में था ही नहीं, वो वापस नहीं लौटा था। इस साल यहाँ आने के बाद उसने दोबारा किसी से शादी की। जहाँ तक मुझे पता है कृतिका की माँ अनुराधा है और उसका पिता वीरेंद्र राठौर। वे दोनों सालों से अलग हैं, ये बात हमें इंटरनेट से पता है। वीरेंद्र का कृतिका से रूखा बर्ताव कहीं ना कहीं अनुराधा से उसकी अनबन के कारण ही होगा। इस हिसाब से कृतिका जरूर गोस्वामी की स्टेप डॉटर होगी। जरूर गोस्वामी ने इंडिया वापस आने के बाद अनुराधा से शादी की होगी। इस तरह से गोस्वामी का सपोर्ट कृतिका को कुछ दिन पहले मिला होगा। उससे पहले वो सब कुछ अपने बल पर ही करती आई होगी, कृतिका की किसी फैन ने कहा। खैर जो भी हो, आज से हम ये जान गए हैं कि कृतिका के पास कितने बड़े सेलिब्रिटी का सपोर्ट है। कोई भी अब उससे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? इस वक्त मिस्टर गोस्वामी के साथ साथ मिसेस गोस्वामी भी यहाँ मौजूद हैं। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही स्पॉटलाइट और कैमरे का फोकस ऑडियंस के बीच में बैठी अनुराधा पर चला गया। ऑडियंस में बैठा हर शख्स पलटकर अनुराधा को देखने लग गया। ये पहली बार था जब अनुराधा कैमरे पर नजर आ रही थी। स्टेज के ऊपर बने बिग स्क्रीन पर भी उसका चेहरा अच्छे से दिख रहा था। कृतिका और गोस्वामी को शर्मिंदा ना करते हुए अनुराधा के चेहरे पर एक प्यारी सी सिंपल मुस्कुराहट उभर आई। वो काफी शांत दिखाई दे रही थी। क्या मिसेस गोस्वामी हम सबको स्टेज पर ज्वाइन करना चाहेंगी? शाहिद ने सवाल किया। अनुराधा के लिए स्टेज पर ये बुलावा एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो वहाँ बस एक ऑडियंस की तरह लो प्रोफाइल रहकर अपने पति और अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को देखना चाहती थी। लेकिन शाहिद ने अचानक से ही उसे स्टेज पर आने के लिए इनवाइट कर दिया। उसने तुरंत गोस्वामी को देखा, जिसने तुरंत अपनी आंखों से उसे स्टेज पर आने का इशारा किया। उसकी आंखें अनुराधा से ये कह रही थी कि अगर स्टेज पर आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आ जाओ, पहली बार हमारा पूरा परिवार एक साथ कैमरे के सामने होगा। लेकिन अगर वो स्टेज पर आने में अनकंफर्टेबल है तो उसे स्टेज पर आने की कोई जरूरत नहीं। फिर अनुराधा ने कृतिका की तरफ देखा। अब तक की उसकी पूरी लाइफ में कृतिका ने हमेशा आगे आकर उसे प्रोटेक्ट किया था। चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कृतिका हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। वो कमजोर थी, इसी वजह से कम उम्र में ही कृतिका को दुनिया भर की मुश्किलों का अकेले सामना करना पड़ा था। आज तक ऐसा मौका बमुश्किल ही कभी आया था जब उसने कृतिका की कोई हेल्प की थी। अनुराधा ने एक गहरी सांस ली। वो हमेशा तो अपनी बेटी और अपने पति के कंधे के पीछे छिपकर रह नहीं सकती थी। उसे खुद से कृतिका के लिए कुछ तो करना ही था, चाहे उससे कृतिका की छोटी सी भी हेल्प क्यों न हो। अनुराधा ने अगले ही पल अपनी नर्वसनेस पर काबू पा लिया। किसी को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो स्टेज पर आने से घबरा रही है। अनुराधा ने कैमरे को देख थोड़ा सा स्माइल किया, फिर वो शांति से उठकर स्टेज की ओर धीमे कदमों से चल पड़ी। चाहे वो अंदर से कितनी भी घबराई हुई क्यों न हो, ऑडियंस को एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि वो घबराई हुई है। उसका हर एक कदम
काफी शांत था। पिछले 2 सालों में उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा था। उसकी जिंदगी में खुशियां और शांति छाई हुई थी, ये बात उसके चेहरे से भी झलक रही थी। देखने वालों को वो काफी शांत और रिलैक्स्ड नजर आ रही थी। ऑडियंस की नजर जब अनुराधा पर गई तो उन्हें दिल से गोस्वामी के लिए काफी खुशी हुई। उसकी वाइफ को बिल्कुल अनुराधा की तरह ही होना चाहिए था। गोस्वामी तेज कदमों से एक जेंटलमैन की तरह आगे आया और स्टेज के करीब आ चुकी अनुराधा की मदद उसने सीढ़ियों पर चढ़ने में की। फिर उसने अपना माइक्रोफोन अनुराधा को दे दिया। जिस पल में अनुराधा अपनी सीट से उठी थी तब से ही गोस्वामी बस उसे देखे जा रहा था। उसकी नजर इस दौरान एक बार भी उस पर से हटी नहीं। इस वक्त अनुराधा ठीक गोस्वामी के बगल में खड़ी थी। गोस्वामी हल्का तिरछा होकर खड़ा हो गया ताकि उसकी नजरें अनुराधा पर बनी रहें। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान बनी हुई थी। अनुराधा ने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन गोस्वामी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी बीवी पर गर्व है। वो चीख कर सबसे ये कहना चाह रहा था कि मेरी वाइफ कितनी अमेजिंग है। गोस्वामी के इस पब्लिक अफेक्शन ने ऑडियंस को अनुराधा के लिए उसके प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है यार, हाय बिना कुछ कहे ही वो कैसे प्यार से उसे देखे जा रहा है। लगता है जैसे गोस्वामी कृतिका की माँ को दिल से पसंद करता है। मुझे तो कृतिका की माँ से जलन होने लगी है। बहुत किस्मत वाली है ये औरत। किस्मत वाली? इसमें किस्मत वाली बात कहाँ से आ गई? क्या तुम लोग कभी न्यूज पढ़ते या देखते भी हो? कृतिका की माँ अनुराधा को उसका एक्स हस्बैंड वीरेंद्र हमेशा से टॉर्चर करता आया है। जितना दर्द इन दोनों माँ बेटी ने झेला है उसे देख मैं कह सकती हूँ कि अब इनके दुख के दिन बीत गए हैं और सुख के दिन इनकी जिंदगी में वापस आ गए हैं। अपनी अब तक की जिंदगी में कृतिका की माँ ने कई मुश्किलों का सामना किया है। फाइनली जिंदगी को उस पर रहम आ ही गया, इसलिए अब आधी जिंदगी जी लेने के बाद गोस्वामी उसकी जिंदगी में आ गया। इसलिए तुम्हें जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी में सब कुछ शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है। जिसने अपनी अब तक की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का सामना किया है उसके लिए खुशियां पाना उसका हक है, ना कि किस्मत। हेलो अनुराधा जी, स्टेज पर आ चुकी अनुराधा से शाहिद ने पोलाइटली कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्या आप ऑडियंस से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगी? अनुराधा एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा, कृतिका की माँ और गोस्वामी की वाइफ। जहां तक मैं समझता हूँ, गोस्वामी सर के इंडिया आने के बाद वापस ना लौटने की वजह आप हैं, शाहिद ने कहा। मुझे नहीं पता कि आप हमें ये बता सकती हैं या नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप हमें बताएं कि आप दोनों पहली बार कब मिले, आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे जाना। अनुराधा शर्मा गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। तब गोस्वामी ने प्यार से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसमें अनुराधा ने माइक्रोफोन पकड़ रखा था। फिर वो बोला, अनुराधा मेरा पहला प्यार है, लेकिन मेरी शादी किसी और से हुई। अपनी पहली वाइफ से मेरा डिवोर्स 10 साल पहले हुआ। मेरी ही तरह अनुराधा की भी शादी किसी और से हुई, लेकिन किस्मत से उसका भी अपने पति से तलाक हो गया, वो भी 10 साल पहले। लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों को ये बात कभी पता ही नहीं चली। हम दोनों को ही ये लगा कि हम अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं। इस वजह से अपने अपने लाइफ पार्टनर से अलग होने के बाद भी हम एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन ये दूरी इस बार मेरे इंडिया आने पर खत्म हो गई। किस्मत से हम दोनों मेरे दोस्त के घर पर मिले। वहां से सालों पहले की गलतफहमी जो हम दोनों के बीच थी वो खत्म हो गई।
हम दोनों ने ये तय किया कि अब हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे और बिना कोई देरी किए हमने शादी कर ली। गोस्वामी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। गोस्वामी की बातें ऑडियंस को ये समझाने के लिए काफी थी कि क्यों इंडिया आते ही इस बार उसने अनुराधा से शादी कर ली। हालांकि गोस्वामी ने सब कुछ डिटेल में नहीं कहा था, लेकिन अगर उसकी बातों के बीच छिपी बात को समझने की कोशिश की जाए तो ऑडियंस ये समझ सकती थी कि गोस्वामी और अनुराधा एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। मुझे तो लगता है कि ये सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, गोस्वामी ने शुरू में ही कहा कि अनुराधा उसका पहला प्यार है। जिस गलतफहमी की बात गोस्वामी ने की, अगर वैसी कोई गलतफहमी उसके और अनुराधा के बीच नहीं हुई होती तो ये दोनों सालों पहले ही शादी कर चुके होते। किसी ने अभी अभी कहा था कि अनुराधा किस्मत वाली है। वो किस्मत वाली तो बिल्कुल नहीं है। दो लोग जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। एक गलत फहमी ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। अगर वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होते तो भी चीजें सही रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोस्वामी सालों पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है और अनुराधा की जिंदगी में वीरेंद्र जैसा कमी ना आया। मेरी नजर में अनुराधा किस्मत वाली तो बिल्कुल नहीं रही है, उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही दर्द भरी रही है। अच्छी बात ये है कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं। किस्मत ने दोनों के साथ जो बुरा किया था वो अब उसकी भरपाई कर रहा है। तुम लोगों को रूपा वाली न्यूज तो पता है ना? हाँ, मैंने गोस्वामी के पर्सनल ट्विटर पोस्ट को देखा था। रूपा उसकी एक्स वाइफ है और उस पोस्ट में वो उस पर काफी गुस्सा दिख रहा था। सोचो, 10 साल पहले उसने रूपा को डिवोर्स दे दिया, लेकिन वो बेशर्म अपने फायदे के लिए सालों से दूसरों के सामने उसे ही अपना हस्बैंड कहती आई है। गोस्वामी की जगह कोई भी रहता तो वो अपनी एक्स वाइफ की ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, बीते 10 सालों में वो दूसरे के सामने उसे अपना पति कहती रही, ये बात गोस्वामी को भी मालूम नहीं थी। पता नहीं और कौन कौन सी बात ऐसी होगी जो रूपा ने उसका फायदा उठाने के लिए की होगी और जिसके बारे में गोस्वामी को अब तक भी कुछ पता ही नहीं चला होगा। हाँ, तुमने सही कहा। जैसा बिहेव रूपा का मुझे समझ में आया है, उसके हिसाब से गोस्वामी से उसकी शादी के टूटने की वजह रूपा ही होगी। वो औरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भगवान जी का शुक्र है जो गोस्वामी फिर से अपने पहले प्यार के साथ है। हाय, ये सब कितना टचिंग है। गोस्वामी किस्मत वाला निकला जो उसे अपना पहला प्यार इतने सालों के बाद भी हासिल हो गया। हाँ यार, गोस्वामी अभी भी दिखने में काफी डैशिंग लगता है। वो किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने अपने पहले प्यार को पाने की कोशिश की। ये जरूर इन दोनों लव बर्ड्स का सच्चा प्यार है जो ये फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। ये काफी रेयर ही होता है। ऑडियंस को लगा कि गोस्वामी को जो कुछ कहना था उसने कह दिया है, लेकिन सरप्राइजिंगली गोस्वामी की बात खत्म नहीं हुई थी। उसने आगे भी कहना जारी रखा। अनुराधा से मेरी मुलाकात मेरे म्यूजिक टीचर के घर पर हुई। वो मेरे म्यूजिक टीचर की बेटी थी। तब हम दोनों ही उनसे गिटार बजाना सीखा करते थे। शाहिद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने हैरान होते हुए सवाल किया, मिसेज अनुराधा भी एक गिटारिस्ट है? नहीं नहीं, मैं खुद को गिटारिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। मुझे बस गिटार बजाना आता है। पिछले साल मैंने बच्चों के एक स्कूल को एज ए गिटार टीचर ज्वाइन किया था। मैं वहाँ बच्चों को गिटार बजाना सिखाती थी। हर बच्चा कभी न कभी अपने बचपन में गिटार की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ध्यान गिटार से हट जाता है। शायद इसलिए क्योंकि पेरेंट्स उन्हें गिटार बजाना सिखा नहीं पाते। इसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो सिंपल तरीके से बच्चों को गिटार बजाना सिखाए। मेरा सपना बस इतना सा है कि एक बार अगर किसी बच्चे का अट्रैक्शन गिटार बजाने पर आ जाए तो वो अट्रैक्शन कभी खत्म ना हो। फ्यूचर में अगर मेरा कोई एक भी स्टूडेंट एक अच्छा गिटारिस्ट बन पाता है तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी।
अनुराधा ने एक्सप्लेन किया। सिखाती थी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप अब बच्चों के गिटार क्लासेस नहीं ले रही हैं? शाहिद ने सवाल किया। हाँ, कुछ वक्त पहले मैंने उस स्कूल से रिजाइन कर दिया, अनुराधा ने जवाब दिया। तो क्या अब आप आगे बच्चों को गिटार बजाना नहीं सिखाएंगी? शाहिद ने सवाल किया। या आप म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करेंगी? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं गिटार से जुड़ी रहूंगी, लेकिन फिलहाल मैंने खुद को एक ब्रेक दे दिया है। मैं शांति से ये सोचना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मुझे खुद को किस मुकाम पर ले जाना है। आप कुछ ज्यादा ही हम्बल हैं। अगर स्टूडेंट्स को आपके जैसे टीचर नहीं मिले तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई इंडियन मिस्टर गोस्वामी की तरह ग्रेट म्यूजिशियन बन पाएगा, शाहिद ने अनुराधा की तारीफ की। बिल्कुल सही, गोस्वामी ने गर्व से शाहिद की हाँ में हाँ मिलाई। आज तक की अपनी जिंदगी में मेरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी वाइफ की गिटार स्किल्स मुझसे जरा भी कम है। हम बस डिफरेंट एरिया पर फोकस कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, शाहिद ने अपने सिर को हिलाते हुए गोस्वामी की बात पर हामी भरी। मिस्टर गोस्वामी, आपने इंटरनेशनल लेवल पर गिटार को बढ़ावा दिया और फिर एक म्यूजिशियन बन गए। वहीं मिसेस गोस्वामी रूट लेवल पर बच्चों को गिटार सिखाने पर ध्यान देती रहीं। वैसे बच्चे जो खेल खेल में गिटार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे बजाना सीखना चाहते हैं। क्या हम एक बार और मिस्टर और मिसेस गोस्वामी को जोरदार तालियों से अप्रिशिएट कर सकते हैं? शाहिद ने ऑडिटोरियम में बैठे ऑडियंस की तरफ मुड़ते हुए कहा। उसके कहने भर से ऑडियंस ने जोरदार ढंग से तालियां बजानी शुरू कर दी। सरप्राइजिंगली दोनों हस्बैंड और वाइफ गिटार बजाना जानते हैं। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। किसी को भी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि अनुराधा गोस्वामी के बराबर नहीं है या वो उसे डिजर्व नहीं करती है। वे सभी दोनों के लिए दिल से खुश थे और उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आप दोनों को एक साथ यहाँ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख सके? शाहिद ने सवाल किया। गोस्वामी ने अनुराधा की तरफ देखा, मानो वो उससे उसकी ओपिनियन मांग रहा हो। स्टेज पर आने से पहले भले ही अनुराधा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन कुछ वक्त स्टेज पर बिता लेने के बाद उसकी घबराहट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने गोस्वामी को ना नहीं कहा। तो हमें कौन सी धुन ऑडियंस को सुनानी चाहिए? अनुराधा ने मुस्कुराकर गोस्वामी से सवाल किया। मैं तुम्हारी तरह कोई डिफिकल्ट धुन तो बजा नहीं पाऊंगी। किसी मुश्किल धुन पर तुम्हारे साथ कीप अप करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अनुराधा की ऑनेस्ट बातों से ऑडियंस को जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्हें उसकी ऑनेस्ट पर्सनालिटी पसंद आई। गोस्वामी धीमी आवाज में हंस पड़ा। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, क्यों ना हम इसे एक साथ प्ले करें और फिर दोनों स्टेज पर कौन सा सॉन्ग परफॉर्म करें पर डिस्कशन करने लगे। शाहिद ने अचानक से उन दोनों से ये रिक्वेस्ट कर दी थी। अनुराधा ने सोचा नहीं था कि इतने सालों तक आउट ऑफ कंट्री रहने के बाद भी गोस्वामी को 80 के दशक के गाने याद होंगे। लेकिन कहते हैं ना, आप कहीं भी रह लो, दिल आपका हमेशा इंडियन ही रहेगा। शायद इसी वजह से इंडियन म्यूजिक को लेकर गोस्वामी का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं, अनुराधा ने हामी भरी। गोस्वामी वहां अपना खुद का गिटार लेकर आया था। उसके लेवल का म्यूजिशियन कभी किसी स्टूडियो के प्रोवाइड किए गए चीप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करने वाला था। लेकिन चूंकि अनुराधा को उसके साथ परफॉर्म करना था और वो वहां अपना गिटार लेकर नहीं आई थी, इसलिए उसे स्टूडियो की तरफ से मिले गिटार को ही यूज करना पड़ा। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। द एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम ने पहले से ही खुद को ऐसे किसी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर लिया था। दरअसल रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले जिस वक्त गोस्वामी ने ये कहा कि वो वहाँ लाइव परफॉर्मेंस भी देगा, तभी शो की प्रोडक्शन टीम ने हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अरेंजमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कर ली थी।
एक दूसरे से दोबारा मिलने के बाद गोस्वामी और अनुराधा ने इस गाने पर कभी साथ में गिटार की धुन नहीं बजाई थी, लेकिन वे दोनों अकेले में इतने ज्यादा बार इस गाने पर अपने गिटार की धुन छेड़ चुके थे कि ये गाना और उसकी धुन उनके दिमाग में जैसे छप से गए थे। शुरुआत गोस्वामी ने की, ये मेलोडियस होने के साथ साथ चीयरफुल भी था। अनुराधा ने भी कुछ पल के बाद उसे ज्वाइन कर लिया। वे दोनों एक साथ एक सरगम पर उस धुन को परफॉर्म कर रहे थे। पहले मुखड़े के खत्म होने के बाद गोस्वामी के गिटार की धुन थोड़ी तेज हो गई, वहीं अनुराधा की धुन लाइट होती चली गई, जो कि एक दूसरे से मेल खा रहा था। थोड़ी देर बाद अनुराधा ने अपने टेम्पो को थोड़ा और धीमा कर दिया, वहीं गोस्वामी के टेम्पो में थोड़ी और तेजी आ गई। अनुराधा के गिटार से निकली धीमी और गहरी धुन काफी शांत और मदहोशी भरी थी, वहीं गोस्वामी के गिटार से निकलती धुन कुछ ऐसी थी जैसे सूरज की पहली किरण के साथ जागते हुए पक्षी चहचहा रहे थे। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की थी। दूसरे मुखड़े के खत्म होने के बाद अनुराधा ने तीसरे मुखड़े को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन गोस्वामी की उंगलियां तेजी से अपने गिटार पर थिरक रही थी। जब अनुराधा ने अपनी परफॉर्मेंस बंद की, तब तक वो तीसरे मुखड़े में पहुंच चुका था। उसने तेजी से तीसरे मुखड़े को पूरा किया और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई। हाय, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 80 के दशक का ये गाना इतना प्यारा हो सकता है। हाँ, इनकी केमिस्ट्री के कारण ये गाना और भी ज्यादा प्यारा हो गया। सच में मुझे तो दोनों की ही परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। अनुराधा की टेक्निक्स गोस्वामी जितनी अच्छी नहीं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि गोस्वामी एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन है। लेकिन ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि अनुराधा की बेसिक स्किल्स काफी स्ट्रांग है। गोस्वामी जैसे म्यूजिशियन के साथ परफॉर्म कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, इन दोनों ने काफी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी है। गोस्वामी सच में ग्रेट है। उसके जैसा म्यूजिक गुरु ही 80 के दशक के गाने को मॉडर्न टाइम में भी इतने शानदार ढंग से परफॉर्म कर सकता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ही दिन में मैंने गोस्वामी की दो दो लाइव परफॉर्मेंस देख ली। आज यहाँ आना मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन में से एक रहेगा। शाहिद भी उन दोनों की परफॉर्मेंस को देख काफी एक्साइटेड था। उसने गोस्वामी से सवाल किया, आप दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है, क्या आप दोनों अकेले में हमेशा गिटार प्रैक्टिस करते हैं? गोस्वामी मुस्कुरा उठा, नहीं, हमें एक साथ परफॉर्म किए हुए शायद 22 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जब मैं अनुराधा के पिता से गिटार बजाना सीख रहा था तो हम दोनों मौका मिलने पर साथ में गिटार बजाया करते थे। ये गाना हम दोनों के पसंदीदा गानों में से एक था। हम इसे रोज सुनते और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उस पर साथ में परफॉर्म करते, लेकिन गिटार हम दोनों की फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी। हमारे बीच की गलतफहमी के बाद पिछले 22 सालों में हम दोनों ने कभी साथ में गिटार प्रैक्टिस नहीं की। 22 सालों में ये पहला मौका है जब हम दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है जो हमने आप दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखा, शाहिद ने कहा। मुझे आपके शो और इस स्टेज को थैंक्स कहना है जिसने हमें एक बार फिर से एक साथ परफॉर्म करने का मौका दिया, अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली। तब शाहिद ने ऑडियंस से कहा, मैं आप सभी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि ये डुएट सेगमेंट हमारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से प्री प्लान नहीं था, इसे ऑन द स्पॉट सोचा गया। हमने मिस्टर एंड मिसेस गोस्वामी को इस बारे में पहले किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इस तरह से सच में इन दोनों ने सालों बाद एक साथ किसी तरह की म्यूजिक परफॉर्मेंस दी है, वो भी आप सभी ऑडियंस के सामने। सालों बाद ये इनका पहला म्यूजिकल परफॉर्मेंस था, वो भी एक ऐसा म्यूजिकल परफॉर्मेंस जिनकी प्रैक्टिस दोनों ने पहले से इस स्टेज पर नहीं की थी। हाँ, मैंने अनुराधा से पहले नहीं कहा था कि मैं किस टेम्पो में ये धुन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से शुरुआत की और अनुराधा ने मेरे टेम्पो को ध्यान में रखते हुए मुझे ज्वाइन कर लिया, गोस्वामी ने कहा।
इतने सालों में वो बहुत से अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ काम कर चुका था। उसके साथ अपनी पर्सनल टीम भी थी जिसके साथ उसने लाइव कॉन्सर्ट किया था, लेकिन उनमें से किसी के भी साथ उसकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसकी केमिस्ट्री आज अनुराधा के साथ बनी थी। एक टीम को कई राउंड की प्रैक्टिस के बाद तैयार किया जाता है, लेकिन अनुराधा के साथ उसने सालों से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। म्यूजिक परफॉर्मेंस के दौरान जैसे ही उसने अपने टेम्पो में बदलाव किया, अनुराधा ने अगले पल में ही उसके उस नए टेम्पो को मैच कर लिया। ये ऐसा था जैसे वो जानती हो कि गोस्वामी क्या सोच रहा है। निर्जला और बाकी के पार्टिसिपेंट्स बैकस्टेज टीवी पर उन्हें देख भी रहे थे और सुन भी। वे ये देखकर हेल्पलेस फील कर रहे थे कि कैसे कृतिका को स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। फाइनल सेगमेंट में उनकी परफॉर्मेंस के बाद इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने उनसे बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे और फिर उन्हें स्टेज से जाने दिया। लेकिन बारी जब कृतिका की आई तो जितना वक्त उसे स्टेज पर बेसिक तौर पर बिताना चाहिए था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। देखने से अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लोग स्टेज से जल्दी हटने वाले हैं। फाइनली तब जाकर निर्जला को समझ में आया कि शो की रिकॉर्डिंग से पहले जो कुछ सोचकर वो खुश हो रही थी वो बस उसका ख्याली पुलाव था। प्रोग्राम के टाइम को बस गोस्वामी और उसकी फैमिली के लिए बढ़ाया गया था। प्रोग्राम की बढ़ी टाइमिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो इस बढ़ी हुई टाइमिंग का कोई फायदा नहीं उठा पाने वाली थी। शाहिद को गोस्वामी की बात याद थी। उसने रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले ये कहा था कि कृतिका को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, लेकिन चूंकि गोस्वामी पहली बार किसी टीवी शो पर आया था इसलिए उन्हें उससे एक लंबा इंटरव्यू तो लेना ही था। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। अगर वे आज के इस खास मौके को जाने देते तो भगवान ही जाने कि उन्हें दोबारा ऐसा कोई मौका कभी मिल पाता या नहीं। अच्छी बात ये थी कि वर्गीस ने मेन कैमरामैन को शुरू में ही ये हिदायत दे दी थी कि जब शाहिद गोस्वामी का इंटरव्यू ले रहा हो तो उस दौरान उसे बीच बीच में कृतिका पर भी फोकस करते रहना है, जिससे कि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिलता रहे। गोस्वामी और अनुराधा से बात कर लेने के बाद शाहिद ने कृतिका से कहा, कृतिका मानना पड़ेगा तुम सच में काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करती हो। उसकी उस बात ने ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। ऐसे उसने कुछ गलत नहीं कहा था, वो सच में काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करती थी। मिस्टर गोस्वामी को इंडिया आए हुए कम से कम 6 से 8 महीने बीत चुके हैं। अगर वो आज हमारे शो के रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं बनते तो हमें या किसी को भी कभी ये पता ही नहीं चलता कि वो तुम्हारे स्टेप डैड हैं। मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी बड़ी बात पब्लिक से अब तक छिपाए कैसे रखी? शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने डैड को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। अगर मैं ये बात अनाउंस करती कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन मिस्टर गोस्वामी मेरे डैड हैं, तो इस बात को लेकर एक कभी ना खत्म होने वाले इंटरव्यू का सिलसिला जारी हो जाता। कई लोग मुझसे मेरे पिता को ये कहलवाने की कोशिश करते कि वो उनके किसी काम में उनकी मदद करें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को एक छोटी सी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। वैसे भी मैं अपने बल पर अपनी जिंदगी में काफी कुछ अच्छा कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ी मेहनत और करूँ तो हर मुश्किल सिचुएशन में मुझे मेरे पिता की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृतिका मुस्कुराते हुए आगे बोली। लेकिन इस बार मुझे उनकी वजह से कुछ फायदा तो हुआ है। द एक्स फाइल्स के फिनाले में आने के लिए मुझे एक मिस्ट्री गेस्ट की जरूरत थी और उनसे बेहतर मिस्ट्री गेस्ट शायद ही मुझे कोई और मिल पाता। हाँ, पर मैं तुम्हारा मिस्ट्री गेस्ट इसलिए बना क्योंकि अनुराधा ने तुम्हें मेरा ध्यान दिलाया और फिर मैंने तुम्हारे साथ शो पर आने की जिद की। गोस्वामी ने कृतिका की बातों में अपनी तरफ से वो बात ऐड कर दी। क्या सच में? शाहिद ने सवाल किया। हाँ, मेरी बच्ची मुझसे ज्यादा सूटेबल बंदे को ढूंढ रही थी।
गोस्वामी ने मुंह बनाया जैसे वो कृतिका के इस बात से अभी भी उस पर नाराज था। एक वर्ल्ड लेवल के सेलिब्रिटी को ऐसे बच्चों की तरह मुंह फुलाते देख ऑडियंस का दिल झूम उठा। उन्हें एहसास हुआ कि गोस्वामी भी उनके जैसा ही एक आम इंसान था। वो कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे अपनी कामयाबी का घमंड हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे लोगों से घुलना मिलना पसंद ना हो। मेरी जिद के बाद कहीं जाकर मेरी बच्ची मुझे यहाँ लाने के लिए राजी हुई, नहीं तो ये तो मुझे यहाँ लेकर आती ही नहीं, गोस्वामी ने कहा। वाओ, फाइनली मुझे कृतिका की पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। मेरे ख्याल से कृतिका खुद के काम के लिए किसी दूसरे शख्स को जरा सा भी परेशान नहीं करना चाहती, शाहिद ने कहना शुरू किया। पिछली बार दिवाकर, तलपेश और सूरज को भी कृतिका ने डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया था, वो किसी और को ढूंढ रही थी। और जब उन्हें दूसरों से इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुद बारी बारी से कृतिका से कांटेक्ट किया और उसके साथ हमारे शो में आने के लिए कृतिका के कहे बगैर ही उसे अपनी हामी दे दी। गोस्वामी ये सुनकर खुश हो गया। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दोनों ही अपनी तरफ से किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इसका एहसास मुझे अभी अभी हुआ, शाहिद ने कहा। इस तरह से शाहिद गोस्वामी से देर तक बात करता रहा। इस लंबे इंटरव्यू के बाद वेदांत तक को ये एहसास हो गया कि उसके चैनल की तरफ से कृतिका को दी गई बड़ी रकम किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हुई है। जितना उन्होंने उसे पे किया था, जल्दी ही वे उससे कहीं ज्यादा कमा लेने वाले थे। शो की रिकॉर्डिंग के पूरा होने के बाद वेदांत ने गोस्वामी को उसके पूरे परिवार सहित खाने पर इनवाइट किया, लेकिन गोस्वामी ने उसके इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। खाने का काम अगली बार के लिए रहने देते हैं, हमने पहले ही आपको काफी वक्त दे दिया है। जब हम अगली बार यहाँ आएंगे तो आपके साथ लंच या डिनर जरूर करेंगे, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना होगा। कृतिका को अपनी क्लासेस के लिए मंडे को अपने कॉलेज टाइम से पहुँचना है, इसलिए हम चाहकर भी यहाँ और रुक नहीं पाएंगे। वो अभी भी एक स्टूडेंट है और उसका फोकस अभी भी अपनी पढ़ाई पर है। क्या आप लोग थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते हैं, वेदांत ने गुजारिश की। हो सके तो अपने फ्लाइट टिकट्स की टाइमिंग चेंज करवा लीजिए, या आप मुझे अपने फ्लाइट्स की टाइमिंग बताएं, मैं आपके टिकट्स को कैंसिल कर बाद के किसी दूसरे टाइम में बुक करवा दूंगा। गोस्वामी मुस्कुरा उठा, फिर उसने एक्सप्लेन किया, दरअसल हम अपने सन इन लॉ के प्राइवेट जेट से यहाँ आए हैं। उसने हमारे अराइवल और डिपार्चर दोनों की टाइमिंग को पहले ही यहाँ के एयरपोर्ट के साथ सेटल कर रखा है। अगर हमें अपने फ्लाइट की टाइम चेंज करनी होती तो ये हमें आज सुबह ही कर लेना चाहिए था। इतनी देर हो जाने के बाद ये करना पॉसिबल नहीं होगा, वेदांत ये सुन सरप्राइज हो गया। हालांकि प्राइवेट जेट को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्राइवेट जेट को ओन करना ये सुनने में काफी रेयर था। ऐसे प्राइवेट जेट्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल और लग्जूरियस। वेदांत नहीं जानता था कि गोस्वामी के सन इन लॉ के पास जो जेट है वो सिंपल है या लग्जूरियस। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो मैं आपको और फोर्स नहीं करूंगा, वेदांत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है, फिर अगली बार जब हम यहाँ आएंगे, या फिर अगर आप कभी मुंबई मेन टाउन में आते हैं तो मुझसे जरूर मिलिएगा, तब हम साथ में खाना खाएंगे, गोस्वामी ने पोलाइट होते हुए कहा। वो क्यों वहाँ और नहीं रुक सकता है, ये बात उसने वेदांत को ढंग से एक्सप्लेन कर दी थी। साथ ही उसने उसे मुंबई मेन टाउन में आने पर अपने साथ खाने पर भी इनवाइट कर दिया था। उसके इस इनविटेशन से वेदांत काफी खुश था। उसे महसूस हुआ कि गोस्वामी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहा है जितना वो गोस्वामी की रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर गोस्वामी उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा रहा था तो ये उसका हक था, लेकिन उसने उसके रिक्वेस्ट को काफी शालीनता से ठुकराया था। गोस्वामी की बातों से इतना तो क्लियर हो गया था कि उसे इस बात की परवाह थी कि सामने वाले को उसकी कही बातों का किसी भी तरह से बुरा ना लगे। उसका बिहेवियर हर किसी के साथ काफी अच्छा था।
आज वो सफलता के जिस मुकाम पर था वहां तक पहुंचने में उसके अच्छे बिहेवियर ने जरूर एक बड़ा रोल निभाया होगा। गोस्वामी के बिहेवियर से वेदांत ये अच्छे से समझ गया था कि वो जरा भी घमंडी नहीं है। अगर कोई सेलिब्रिटी सक्सेस के नशे में बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है तो कोई भी दूसरा शख्स उसकी रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसे वेदांत ये भूल नहीं सकता था कि गोस्वामी के उसे लेकर अच्छे बर्ताव का एक कारण कृतिका भी थी। विशाल के केस में अर्देश ने कृतिका की हेल्प की थी, इस वजह से गोस्वामी की नजर में अर्देश की अच्छी इमेज बन चुकी थी। और चूंकि अर्देश वेदांत के लिए काम करता था तो वेदांत को लेकर भी उसके मन में अपने आप एक अच्छी इमेज बन गई थी। कृतिका पहले से ही स्टार स्क्रीन मीडिया के निशाने पर थी। ऐसे में मैक्स ओके चैनल, जिसके साथ कृतिका के रिश्ते फिलहाल कुछ कुछ अच्छे थे, उसके साथ गोस्वामी भी बेहतर रिलेशन मेंटेन करना चाहता था ताकि उनके साथ प्रेजेंट या फ्यूचर में काम करते हुए कृतिका को कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। धीरे धीरे सभी वहां से जाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ वेदांत खुद भी गोस्वामी को स्टूडियो से बाहर सी ऑफ करने के लिए गया। इसके लिए उसने एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया ताकि ऑडियंस में से कोई उन्हें परेशान ना कर सके। कृतिका, गोस्वामी और अनुराधा को उनकी कार में बिठाने के बाद वेदांत ने अर्देश की तारीफ की, जो कि उसके साथ ही गोस्वामी और उसकी फैमिली को सी ऑफ करने के लिए स्टूडियो से बाहर आया था। अर्देश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ध्यान रहे कि हमें आगे भी कृतिका से अपने वर्किंग रिलेशंस अच्छे रखने हैं। हम गलती से भी उसे नाराज करने की गलती नहीं कर सकते हैं। अर्देश की छाती अपने बॉस की तारीफ सुनकर चौड़ी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, कृतिका को लेकर मेरी सोच गलत साबित नहीं हुई। मुझे उस लड़की में काफी पोटेंशियल नजर आया था, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उसकी हेल्प करने के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वक्त आने पर वो लड़की उसे मिली मेरी हेल्प के रिटर्न में कई गुना ज्यादा मेरी हेल्प करेगी। यानी इस केस में तुम्हें तुम्हारी दरिया दिली का अच्छा फल मिला है, कहते हुए वेदांत ने अर्देश के कंधे को थपथपाया। द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड को डे आफ्टर टुमारो टेलीकास्ट किया जाना था। इस दौरान अर्देश और वेदांत ने ये डिस्कस कर लिया कि फिनाले एपिसोड की ड्यूरेशन वे लोग कितनी रखेंगे। इसके तुरंत बाद वे लोग रिकॉर्डेड एपिसोड्स की एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हो गए। साथ ही शो की प्रोडक्शन टीम फिनाले एपिसोड की पब्लिसिटी में भी तेजी से इन्वॉल्व हो गई। उनकी तरफ से ट्विटर के उनके ऑफिशियल पेज पर एक सेगमेंट जारी कर दी गई। आप सभी ऑडियंस को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड की ड्यूरेशन 1 घंटे की जगह 2 घंटे की होगी। सी यू ऑल ऑन फ्राइडे। शुरुआत की पब्लिसिटी में उन्होंने सिंपल ढंग से निर्जला, प्रशांत और विक्रम के मिस्ट्री गेस्ट के बारे में कुछ हिंट्स ऑडियंस को ट्वीट और टीजर वीडियोस के जरिए बतलाए। उसके बाद फाइनली उन्होंने गोस्वामी के बारे में ऑडियंस को कुछ हिंट्स दिए। हमारे फाइनल मिस्ट्री गेस्ट हैं मिस्टर टी। हमारा शो वर्ल्ड लेवल पर उनका पहला टीवी अपीयरेंस होने वाला है। वो हमारे शो के अब तक के सभी सीजन के सबसे बेस्ट मिस्ट्री गेस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने द एक्स फाइल्स के मेन पेज पर एक लिंक ऐड कर दिया। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इंटरनेट यूजर्स को उस मिस्ट्री गेस्ट की शेडो इमेज दिखाई पड़ती थी। उस शेडो इमेज को देखने के बाद लगभग सभी इंटरनेट यूजर्स शॉक्ड हो गए। हद है यार, ये तो उसी पब्लिसिटी मेथड को यूज कर रहे हैं जिसे इन्होंने शो के 3rd एपिसोड में यूज किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार के मिस्ट्री गेस्ट दिवाकर, तलपेश और सूरज से भी बड़े हैं? पर इस बार तो सभी पार्टिसिपेंट्स अपने साथ बस एक मिस्ट्री गेस्ट को लाने वाले हैं। क्या ये एक मिस्ट्री गेस्ट अकेले पिछले बार के 3 खास मिस्ट्री गेस्ट पर भारी पड़ेगा? और ये वर्ल्ड लेवल अपीयरेंस से क्या मतलब है? क्या इस बार शो में कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आने वाला है? इस बार के खास मिस्ट्री गेस्ट के लिए इन्होंने टी लेटर को यूज किया है।
वैसे टी लेटर से तो मुझे बस वो एक्टर याद आता है जो अपनी एक फिल्म में बिना कोई डायलॉग बोले ही सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी तो नहीं है। इंटरनेट की मेरी सभी फीमेल दोस्तों और उन सभी फीमेल दोस्तों के भाइयों, मेरी मानो तो इस अल्फाबेटिकल लेटर के चक्कर में मत पड़ो। पिछली बार भी द एग्स फाइल्स वालों ने इन्हीं लेटर के जाल में उलझा कर हमें अच्छा खासा बेवकूफ बनाया था। ऐसे में अच्छा ये होगा कि वो स्पेशल मिस्ट्री गेस्ट एक्चुअल में कौन है के डिस्कशन में हम सब अपना टाइम बर्बाद ना करें और शो के टेलीकास्ट होने का इंतजार करें। सही कहा। वैसे मेरे मन में ये बात चल रही है, शो के इस सीजन के तीसरे एपिसोड की जिस तरह से पब्लिसिटी की गई थी, वैसी पब्लिसिटी दोबारा शो के किसी एपिसोड की नहीं की गई। इसका कारण मेरे ख्याल से बाद के एपिसोड्स में आने वाले सभी गेस्ट के स्टेटस का औसत दर्जे का होना रहा होगा। लेकिन इस बार शो की प्रोडक्शन टीम फिर से उसी मेथड को यूज कर रही है, यानी कि इस बार जो मिस्ट्री गेस्ट शो में आने वाला है वो शो के तीसरे एपिसोड में आए मिस्ट्री गेस्ट की तरह ही खास होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बार के खास मिस्ट्री गेस्ट को किसने इनवाइट किया होगा। फिनाले एपिसोड के रिकॉर्डिंग में आई लाइव ऑडियंस ने रिकॉर्डिंग को लाइव देखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन किया था। इस वजह से वे सबको जानते हुए भी इंटरनेट पर अपनी तरफ से फिनाले एपिसोड के राज नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी उपस्थिति तो इस डिस्कशन में दर्ज करनी ही थी ताकि वे बाकी इंटरनेट यूजर्स से खुद को सुपीरियर दिखा सके। मैंने शो के फिनाले एपिसोड की लाइव रिकॉर्डिंग देखी है, इसलिए मेरा विश्वास करो, फिनाले एपिसोड सच में काफी धमाकेदार है। दिवाकर और तलपेश द एक्स फाइल्स के जिस एपिसोड में आए थे, फिनाले एपिसोड उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। शुरू में मैं शो की प्रोडक्शन टीम से नाराज थी क्योंकि उन्होंने मुझसे और मेरे जैसे बाकी सभी ऑडियंस से उनका फोन कलेक्ट कर लिया था, लेकिन जब मैंने शो के फाइनल मिस्ट्री गेस्ट को देखा तो मेरा सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितना शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। मैं भी फिनाले एपिसोड की लाइव रिकॉर्डिंग देखने के लिए गया था। तुम सबको डेफिनेटली इस एपिसोड को देखना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने इसे मिस किया तो तुम सब लाइफ लॉन्ग पछताने वाले हो। क्या सच में ये इतना बेहतर था? हाँ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि फिनाले एपिसोड में आया गेस्ट द एक्स फाइल्स के किसी भी सीजन में आए सभी गेस्ट में सबसे बेस्ट है। अरे यार, तुमने तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। एग्जैक्टली कौन है वो मिस्ट्री गेस्ट? मैं नहीं बता सकता, मैं भी नहीं। रहने दो यार, हम खुद ही गेस कर लेते हैं। आओ दोस्तों, सब दिमाग लगाना शुरू करो, कौन है ये मिस्टर टी? इधर इंटरनेट यूजर्स ये डिस्कस करने में बिजी हो गए कि वो स्पेशल मिस्ट्री गेस्ट कौन है। वहीं दूसरी तरफ कृतिका गोस्वामी और अनुराधा उनके प्राइवेट जेट के मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद प्लेन से बाहर आ रहे थे। अपने लगेज को लेने के बाद वो एग्जिट से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी नजर निखिल पर गई, जो कि वेटिंग एरिया में उनका इंतजार कर रहा था। गोस्वामी को रिसीव करने के लिए उसका नौकर गिरदास भी वहां आया हुआ था। डैड, माँ, आप लोगों का सफर कैसा रहा? आप सब ठीक हैं? निखिल ने उनके करीब आते हुए उनसे सवाल किया। पिछले कुछ दिनों में गोस्वामी को निखिल के मुंह से अब अपने लिए डैड शब्द सुनने की आदत हो गई थी। रिकॉर्डिंग के दौरान सब कुछ ठीक से हुआ था ना? निखिल ने कृतिका के लगेज को उसके हाथों से लेते हुए उससे सवाल किया। हाँ, सब ठीक रहा। डैड के मेरे साथ होने की वजह से सबका बिहेवियर मुझे लेकर काफी अच्छा था, कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब निखिल ने मन ही मन कृतिका से कहा, अगर मैं वहाँ होता तो सबका बिहेवियर तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अच्छा रहता। हल्की फुल्की बातों के साथ वे सब पार्किंग एरिया में आ पहुंचे। गोस्वामी और अनुराधा गोस्वामी के कार में बैठे और निखिल कृतिका को लेकर अपनी कार में आ गया। कार में बैठने से पहले निखिल ने गोस्वामी और अनुराधा से कहा, डैड, माँ, मैं कृतिका को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हम डिनर अपने दोस्तों के साथ ही करेंगे, इसलिए आप दोनों डिनर के लिए हमारा इंतजार मत कीजिएगा।
ठीक है, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। हम किससे मिलने जा रहे हैं? कृतिका ने कार में बैठते हुए निखिल से क्यूरियस होते हुए सवाल किया। वो निखिल के क्लोज फ्रेंड्स को पहले से जानती थी, भावेश की छोटी बहन अवनी से, निखिल ने एक्सप्लेन किया। पिछले कुछ सालों से अपनी फिल्मों की शूटिंग के कारण उसे हमेशा फॉरेन कंट्रीज में ही रहना पड़ रहा था, इसलिए मैं पहले तुम दोनों को एक दूसरे से कभी मिलवा ही नहीं पाया। कुछ दिन पहले अपनी एक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर वो वापस इंडिया आई है, इसलिए भावेश ने ये मीटिंग प्लान की। तुम और अपनी दोनों ही एक्सपर्ट्स हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों की मुलाकात करवा दी जाए। कृतिका की आंखें सरप्राइज होते हुए चमक उठी। अवनी, अगर इंडिया में प्रेजेंट टाइम में किसी एक्ट्रेस ने खुद को हॉलीवुड में सेटल किया था तो वो अवनी ही थी, लेकिन मीडिया का कहना था कि हॉलीवुड में खुद को किसी इंडियन एक्टर ने अच्छे से सेटल किया है तो वो विभाष है। दरअसल वो तकरीबन 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में कर रहा था। कभी कभी वो इंडियन फिल्मों में भी नजर आता था, लेकिन उसका मेन फोकस अब बस हॉलीवुड फिल्में थी। लेकिन जिन हॉलीवुड फिल्मों में उसने काम किया था उसमें उसका रोल सेकेंड या थर्ड लीड का होता था। दूसरी तरफ अगर बात अवनी की करें तो वो अभी भी नेशनल फिल्म एकेडमी के फोर्थ ईयर में थी। उसके पास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अपने एक्टिंग टैलेंट के बल पर उसने हॉलीवुड में कुछ लीड रोल्स हासिल कर लिए थे। फिर भी एक्सपीरियंस की कमी के कारण मीडिया उसे हॉलीवुड में पूरी तरह से सेटल नहीं बतलाती थी। जिस लास्ट हॉलीवुड फिल्म में अवनी ने काम किया था उसमें वो मेन फीमेल लीड थी और उस फिल्म का नाम एनुबिस था। एक इंडियन एक्ट्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता था कि अवनी के करियर के इतनी तेजी से आगे बढ़ने के पीछे उसका स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड था। लोगों को यही लगता था कि वानिध्य परिवार अवनी के सक्सेसफुल एक्टिंग करियर का कारण था। वे पर्दे के पीछे से हमेशा अवनी को सपोर्ट करते आए थे। बिना वानिध्य परिवार के अवनी कभी उन फिल्मों में लीड रोल हासिल नहीं कर पाती जिनमें वो ऑडिशन दिया करती थी। लोग हमेशा अवनी के एक्टिंग टैलेंट को भूल जाते थे, उनका ध्यान बस उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड पर लगा रहता था। लेकिन अब उसके एक्टिंग टैलेंट की तुलना दूसरी एक्ट्रेसेस से की जाती थी तो वो हमेशा उन सब पर भारी पड़ती थी। कृतिका ने अवनी की कुछ फिल्में देखी थी, साथ ही उसने अवनी के एक हॉलीवुड शो को भी देखा था। एक्टिंग लाइन में आने के बाद वो हमेशा अवनी के लेवल तक पहुंचने का सपना देखती थी और सोचती थी कि एक दिन वो अवनी के साथ स्क्रीन शेयर कर सके। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस एक्ट्रेस के साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहती थी आज वो उससे मिलने जा रही है। निखिल ने कृतिका की आंखों को गौर से देखा। वो समझ गया कि उसकी कृति फिलहाल बस अवनी के बारे में ही सोच रही है। वो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसकी एक्साइटमेंट को देख निखिल थोड़ा जेलस फील करने लगा। आज जब उसने उसे एयरपोर्ट पर देखा और उसे देखकर वो जितनी एक्साइटेड हुई थी, फिलहाल अवनी से मिलने के बारे में सोच वो उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। लगता है तुम्हें अवनी बहुत ज्यादा पसंद है, निखिल ने सवाल किया। मैं बस उसे करीब से जानना चाहती हूँ। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादा लोगों से मेरी जान पहचान नहीं है। जिन किसी के भी साथ अब तक मैंने काम किया है वे सब मुझसे सुपर सीनियर हैं। ऐसे में अगर इंडस्ट्री में जुड़ी किसी लड़की से मेरी दोस्ती होती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। मुझे पता था कि तुम उसे एडमायर करती हो, इसलिए तो जैसे ही मुझे पता चला कि अवनी इंडिया आई हुई है मैंने तुरंत भावेश से कहा कि वो उसे लेकर होटल ताज आए। मैं कृतिका को उससे मिलवाना चाहता हूँ, कहते हुए निखिल ने अपने चिन को थोड़ा ऊंचा कर लिया, मानो वो कृतिका से थोड़ी सी क्रेडिट पाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, कृतिका ने कहा और उसके दाहिने हाथ को थाम लिया। कार चलाते हुए हर वक्त आपको अपने दोनों हाथों को यूज करने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए कृतिका के निखिल के एक हाथ को थामने से
उसे कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे अवनी शुरू में एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह रहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा से अच्छा रहा है। और हाँ, वो थोड़ी जिद्दी अभी भी है। बस उसकी फैमिली के साथ बीते कुछ वक्त में कुछ खास अच्छी चीजें नहीं हुई हैं, इसलिए इन कुछ दिनों में वो काफी समझदार हो गई है। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उससे कुछ वक्त पहले, मेरा मतलब 1-2 साल पहले मिली होती ना, तो शायद तुम्हें वो जरा भी पसंद नहीं आती। लेकिन अब उसका नेचर काफी अच्छा हो गया है। उसका टेम्पर अब कैसा है, मतलब मेरा मतलब क्या वो अभी भी काफी जिद्दी है? कृतिका ने थोड़ा असहज होते हुए सवाल किया। नहीं, अब वो पहले से काफी मैच्योर हो गई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निखिल ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। जिस दौरान निखिल और कृतिका होटल ताज की ओर जा रहे थे, उस दौरान गोस्वामी और अनुराधा अपने घर होराइजन कॉलोनी की ओर बढ़ रहे थे। कार गिरदास ड्राइव कर रहा था। गोस्वामी अनुराधा के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। गिरदास ने कहा, सर आपके नए विला के रेनोवेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने के अंदर आप वहाँ मैडम के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। ये सुन गोस्वामी को काफी सेटिस्फेक्शन मिली। उसने कहा, हमारे नए घर में शिफ्ट होने के बाद मुझे बस इस बात का इंतजार रहेगा कि कब कृतिका माँ बनेगी और मुझे मेरे नाती नातिन मिलेंगे। अनुराधा ये सुनकर हंस पड़ी। तुम तो इस बात को लेकर मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। गोस्वामी ने आह भरी, मैं कई सालों से अकेला रहता आया हूँ अनु, अब जब मेरा खुद का अपना एक परिवार है तो मैं चाहता हूँ कि उस परिवार में ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हों, ताकि हमारा घर उनकी किलकारियों से गूंजता रहे और जहाँ खुशियों की कभी कोई कमी ना हो। अनुराधा ने गोस्वामी के हाथ को थाम लिया। बीते 12 सालों में उसके परिवार में बस वो और कृतिका ही थे। जब कृतिका सोनाली की असिस्टेंट हुआ करती थी तो उसे घर आने का मौका ना के बराबर मिलता था। तब अनुराधा अपने घर में हमेशा अकेली ही रहती थी। वो गोस्वामी की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रही थी। तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारे घर में ढेर सारे लोग होंगे, हम कभी अकेले नहीं होंगे, अनुराधा ने कहा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, गोस्वामी ने चहकते हुए कहा। उसे याद आया कि द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड की पब्लिसिटी आज से ही शुरू हो जाने वाली थी, इसलिए उसने अपना फोन थामा और अनुराधा के साथ इंटरनेट पर द एक्स फाइल्स से जुड़ी खबरों को देखने लगा। लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसकी नजर एक्स फाइल्स की जगह फिल्म डायरेक्टर विशाल से जुड़ी एक खबर पर गई। गोस्वामी निश्चित ही ट्विटर पर विशाल को फॉलो नहीं करता था, वो बस कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज अकाउंट्स को फॉलो करता था ताकि वो कृतिका से जुड़ी खबरों को इंटरनेट पर देख सके। लेकिन जैसे ही उसने अपने ट्विटर अकाउंट्स को ओपन किया, उसकी नजर एंटरटेनमेंट फॉरएवर की तरफ से एक रीपोस्टेड पोस्ट पर गई। दरअसल विशाल ने अपने उस पोस्ट में द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड की पब्लिसिटी के बारे में कुछ कहा था। उस पोस्ट में विशाल ने लिखा था, पहले द एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम ने मुझे अपने शो के फिनाले एपिसोड में इनवाइट किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उस शो में कृतिका जैसी सी लिस्ट सेलिब्रिटी पार्ट ले रही है, तो मैंने तुरंत खुद को मिले उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और फ्राइडे विद द स्टार्स के मिले इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आप सबको और एंटरटेनमेंट से जुड़े हर चैनल को ये बतलाना चाहता हूँ कि जिस किसी भी शो या प्रोजेक्ट में कृतिका काम करेगी, मैं उस शो या प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहूंगा। मैं ऐसे किसी एक्ट्रेस से कभी इंटरेक्ट नहीं करना चाहूंगा जो घमंडी है, जो दूसरों को नीचा दिखाती है, जिसका बिहेवियर एंटरटेनमेंट से जुड़े बाकी लोगों से काफी रूड है और जो अपने सीनियर एक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है। उस पोस्ट को पढ़ते ही गोस्वामी गुस्से से बौखला उठा। अनुराधा भी उसके साथ वो पोस्ट पढ़ रही थी। उसका हाल भी कुछ कुछ गोस्वामी के जैसा ही था। ये इंसान ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, अनुराधा ने गुस्से में कहा। वो गोस्वामी से ज्यादा बौखला उठी थी। कृतिका ने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये उसे सरेआम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो कोई पागल इंसान ही करेगा।
तुम्हें होराइजन पार्क एरिया के रोड को ब्लॉक करने का इंसिडेंट याद है? गोस्वामी ने गुस्से में कहा। वो रोड ब्लॉक विशाल के ही फिल्म क्रू ने किया था। तब कृतिका ने उसकी इस हरकत को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। मेरे ख्याल से वो उसी बात को लेकर हमारी बेटी के खिलाफ अपने मन में कड़वाहट भर बैठा है। कितना नीच है ये इंसान। रोड ब्लॉक करना उसकी अपनी गलती थी, फिर इसका ब्लेम कृतिका पर डालने की हिम्मत वो कैसे कर सकता है? क्या दुनिया में कोई इतना गिरा हुआ होगा? अनुराधा गुस्से में बोली, पहली बार मैं किसी ऐसे आदमी को देख रही हूँ जो खुद से छोटी लड़की को ऐसे जानबूझकर बुली कर रहा है। उसे खुद पर काफी घमंड है। ये कहते हुए गोस्वामी हंस पड़ा। जनरली अगर किसी डायरेक्टर को किसी यंग एक्टर या एक्ट्रेस के करियर को बर्बाद करना होता है तो वो ये काम पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप करता है, लेकिन ये सीधे सीधे कृतिका को टारगेट कर रहा है। ये लोगों को दिखाना चाहता है कि इंडस्ट्री में इसका रुतबा काफी बड़ा है। कुछ वक्त पहले अर्देश ने जब इसे द एक्स फाइल्स में इनवाइट किया था, तब इसने उसे उसके और कृतिका के बीच में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा। जब अर्देश ने उसकी जगह कृतिका को चूज किया तो इनडायरेक्टली उसने विशाल की अच्छी खासी इंसल्ट कर दी, इसलिए उसका गुस्सा और कड़वाहट कृतिका को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है। गोस्वामी ने गुस्से से विशाल के नाम को अपने फोन के स्क्रीन पर देखा। मेरे ख्याल से वो कृतिका के साथ साथ द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन टीम को भी डराना चाहता है। गोस्वामी हंस पड़ा। इसे पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। इंडस्ट्री में किसी के नाम को डायरेक्टली लेकर और मीडिया में उसकी बुराई कर कोई सीधे सीधे किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता और ना ही उस शख्स से अपनी दुश्मनी को उजागर करता है। ये काफी रेयरली ही होता था। ये लोग इंडस्ट्री में गिने चुने ही थे, इसलिए जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता था, कृतिका को लेकर विशाल ने ट्विटर पर जो पोस्ट डाली थी उसके उस पोस्ट को कम से कम 1,000 से 2,000 बार रीपोस्ट किया गया था। भले ही वो एक जाना माना डायरेक्टर था, लेकिन कोई डायरेक्टर कभी भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी की बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी उसके इस पोस्ट को तेजी से रीपोस्ट किया जा रहा था। इंटरनेट यूजर्स ने मिनटों में उस पोस्ट को 1,000 से ज्यादा बार रीपोस्ट कर दिया। आखिरकार कृतिका से जितने लोगों को दुश्मनी थी या जो उसे पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें मिली ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे? मिलन एक बार फिर से ट्विटर पर नजर आया। ट्विटर पर आते ही उसने तुरंत विशाल की उस पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें विशाल ने कृतिका की बुराई की थी। साथ ही मिलन ने अपनी तरफ से कहा, लोग मुझ पर हमेशा ये इल्जाम लगाते आए हैं कि मैं जानबूझकर कृतिका को टारगेट करता हूँ, लेकिन वो लोग ये जानते नहीं हैं कि कृतिका एक्चुअल में कितनी घटिया लड़की है। उसे लगता है कि वो सबसे खास है और बाकी सब उसके सामने कुछ नहीं। साथ ही वो अपने सीनियर्स की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। विशाल, मैं तुम्हारी पोस्ट से सहमत हूँ। तुमने उस बदतमीज लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा है। लावण्या ने भी इस मौके का फायदा उठाकर कृतिका को बदनाम करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने पहले कभी कृतिका को लेकर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन मैं कृतिका से फेस टू फेस द एक्स फाइल्स की शूटिंग के दौरान मिली हूँ। वो सच में ऐसा सोचती है कि वो बाकियों से बेहतर है। पहले उसके खिलाफ बस इक्का दुक्का लोग ही आगे आकर बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आए दिन कोई न कोई उसकी बुराई कर दूसरों से उसके बुरे बर्ताव की बात करता ही है। कम से कम अब लोगों को समझ जाना चाहिए, हर बार गलती बस हमारी नहीं होती है। इंटरनेट यूजर्स विशाल को मिले 2 सेलिब्रिटी के सपोर्ट के कारण अफेक्टेड होने शुरू हो गए थे। मैं ना तो कृतिका का हेटर हूँ और ना ही उसका फैन, लेकिन सच कहूँ तो जो बात लावण्या ने कही है उसमें कुछ तो लॉजिक है। अगर सिर्फ कुछ लोग कृतिका को बुरा बताते तो बात अलग थी, लेकिन आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी उसकी बुराई करता ही रहता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लड़की सच में अच्छी नहीं है।
हाँ, मुझे भी लावण्या की बात सही लग रही है। तुम लोगों का पता नहीं, मैं तो हमेशा से कृतिका का हेटर रहा हूँ। उन कमेंट्स को पढ़ अनुराधा को कृतिका की चिंता होने लगी थी। वो चिढ़ते हुए बोली, ये लोग तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। गोस्वामी ने तुरंत उसे शांत किया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी इस विशाल को सबक सिखाता हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद गोस्वामी ने अपने मोबाइल को थामा और फिर उसने विशाल के उस पोस्ट को बाकियों की तरह रीपोस्ट किया, लेकिन कृतिका के फेवर में उसने उस पोस्ट के ऊपर में अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड कर दी। उसने कहा, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, फ्यूचर में बात चाहे जिस किसी भी शो या प्रोजेक्ट की हो, मैं हर उस शो और प्रोजेक्ट से दूर रहूंगा जिससे विशाल जुड़ा होगा। मैं ऐसे किसी डायरेक्टर से कभी किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करना चाहूंगा जो कि घमंडी है, जो दूसरों को खुद से नीचा समझता है, जिसका बिहेवियर अपने जूनियर सिर बाकियों से काफी रूड है और जो दूसरों की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। गोस्वामी ने विशाल के पोस्ट में मेंशन किए गए वर्ड्स को, या यूं कहें तो पूरे सेंटेंस को, डिटो कॉपी कर लिया था, बस थोड़े से बदलाव के साथ। एक तरह से वो जानबूझकर विशाल का मजाक भी उड़ा रहा था। गोस्वामी ट्विटर पर काफी कम ही आता था, उसके फॉलोअर्स की संख्या भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उसके पास फैंस की कमी थी। जब से गोस्वामी इंडिया वापस आया था, तब से ही लोगों को ये लगने लगा था कि वो अपनी मातृभूमि से वापस जुड़ गया है, इसलिए वो सब उसे लेकर और भी ज्यादा पैशनेट हो गए थे। हर दिन के साथ ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। वैसे भी वो ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, इस वजह से लोग उससे इंटरैक्ट करने के लिए मरते रहते थे। इसलिए जैसे ही कभी भी वो ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट करता, इंटरनेट यूजर्स तुरंत उसके पोस्ट पर भीड़ की तरह जमा हो जाते थे। जो इंटरनेट यूजर्स गोस्वामी को फॉलो नहीं करते थे, वे सब भी उस भीड़ में जमा हो जाते। गोस्वामी के किसी पोस्ट को शेयर कर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे काफी हाई कैलिबर के सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। विशाल ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि गोस्वामी के किसी भी पोस्ट को रीपोस्ट करने वालों की संख्या विशाल के खुद के पोस्ट को रीपोस्ट करने वालों की संख्या से कितनी ज्यादा हो सकती है। जैसे ही गोस्वामी ने ट्विटर पर कृतिका के फेवर में अपनी पोस्ट शेयर की, वैसे ही इंटरनेट यूजर्स उसके पोस्ट को जंगल में लगी किसी आग की तरह रीपोस्ट कर फैलाने लगे। गोस्वामी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखो। हाँ यार, सही कहा, ये तो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात हो गई। डैम, हम सब जानते हैं कि गोस्वामी कभी किसी शो में पार्ट नहीं लेता, यानी कि किसी शो में पार्ट लेने की बात मेंशन कर वो डायरेक्टली विशाल का मजाक उड़ा रहा है। इस विशाल ने गोस्वामी को कैसे नाराज कर दिया जो वो उसके टारगेट में आ गया। मुझे तो एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया जो विशाल की अभी की सिचुएशन पर सूट करता है, ठाकुर तो गयो। इस डायलॉग में बस ठाकुर की जगह विशाल ऐड कर दो। हम सब जानते हैं कि गोस्वामी को अपने शो में बुला पाने का बजट किसी भी टीवी शो में नहीं है। उसने सच में विशाल का मजाक उड़ाने के लिए ये बात कही है। मानना पड़ेगा गोस्वामी का अंदाज है बड़ा फनी। साफ कहूँ तो विशाल को गोस्वामी ने घुमा के एक जोर का तमाचा मारा है। अभी लावण्या कह रही थी कि जब सभी कृतिका की बुराई करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बुरी है, लेकिन देखो अब कृतिका के सपोर्ट में गोस्वामी जैसा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ खड़ा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लड़की बुरी नहीं है, बल्कि वे लोग बुरे हैं जो बार बार जान बूझ कर उसे टारगेट करते हैं। वैसे क्या तुम लोग भूल गए कि कुछ महीने पहले कैसे एक सड़क को ब्लॉक कर विशाल ने लोगों की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया था। अरे हाँ, तुम्हारे कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे भी वो इंसिडेंट याद आ गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये विशाल क्यों कृतिका को टारगेट कर रहा है। मैं भी सब समझ गई। यार हमें भी तो बताओ, हमें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है,
कुछ महीने पहले विशाल अपनी फिल्म विंटर्स वॉर की शूटिंग में बिजी था। फिल्म की शूटिंग के लिए उसने एक कॉलोनी के अंदर बाहर जाने के इकलौते रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिससे वहां रहने वाले रेसिडेंट्स को काफी परेशानी हुई। वे सब विशाल के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने ये बात ट्विटर पर पोस्ट कर दी कि कैसे एक फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें उनकी ही कॉलोनी में कैद कर दिया है। पर नॉर्मल ट्विटर यूजर्स की बात जल्दी से गवर्नमेंट का ध्यान अपनी मुश्किल की तरफ नहीं खींचती। यही उनके साथ हुआ और तब उनकी मदद कृतिका ने की। उसने उनके पोस्ट को रिपोस्ट किया और साथ में सिटी के मेयर को अपने पोस्ट में टैग कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट और बाकी आम लोगों का ध्यान विशाल और उसकी फिल्म पर गया। उन्होंने तब उसकी फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की, जो कि काफी तेजी से फैलने लगी। फाइनली विशाल को सड़क से अपनी ब्लॉकिंग हटानी पड़ी और किसी दूसरी जगह शूटिंग के लिए जाना पड़ा। इस इंसिडेंट में कृतिका ने आम लोगों की मदद की, शायद इसी वजह से वो उसे अपना दुश्मन मानकर उससे दुश्मनी निभा रहा है। ऐसा है तो कृतिका ने कुछ गलत थोड़ी ना किया। मुझे इस पूरे मैटर में कहीं से भी कृतिका की तो कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है। मुझे परवाह नहीं कि बाकी लोग क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा की तरह कृतिका को ही सपोर्ट करूंगा। मैं भी, मेरा सपोर्ट भी कृतिका के साथ है। कृतिका ने आम लोगों की मदद की, इससे साफ जाहिर होता है कि वो बुरी नहीं है। मेरा सपोर्ट भी उसके साथ है। जो सेलिब्रिटी लोग कृतिका की बुराई कर रहे हैं, वे खुद से ये क्यों नहीं पूछते कि जो कृतिका ने करने की हिम्मत की है, क्या वैसा कुछ करने की हिम्मत उनमें है? तुम जैसों को तो बस बड़े डायरेक्टर्स की चापलूसी करना आता है। कृतिका ने आम लोगों की मदद की, ये उसकी अच्छाई है, लेकिन तुम लोगों को इसमें उसकी बुराई नजर आ रही है। कितने गिरे हुए हो तुम सब। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सच क्या है। ये पता चलने के बाद कृतिका के सभी हेटर्स की जुबान पर ताला लग गया होगा। हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी कमाल की लड़की है। कृतिका, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे फैंस तुम्हारे साथ हैं। हम सब तो बस कॉमन लोग हैं, लेकिन देखो वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन गोस्वामी तक तुम्हारे सपोर्ट में आ गए हैं। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग रसूखदार सेलिब्रिटी की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, वे अब भी विशाल की चापलूसी करेंगे या फिर वे गोस्वामी की हाँ में हाँ मिलाएंगे। लावण्य बेचारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोस्वामी जैसा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कृतिका के सपोर्ट में कोई पोस्ट कर देगा। गोस्वामी एक ऐसा सेलिब्रिटी था जो कभी भी किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी से जुड़े स्कैंडल्स में अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देता था। फिर वह अचानक से कैसे कृतिका के सपोर्ट में आ गया? क्या वो कृतिका को पर्सनली जानता है? क्या इसीलिए उसने कृतिका के फेवर में विशाल का मजाक उड़ाया? गोस्वामी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पागल तो नहीं? फिलहाल चाहे लावण्या कितने भी गुस्सा क्यों ना हो ले, गोस्वामी के बस एक पोस्ट ने चीजें उसके लिए उलट कर रख दी थी। इंटरनेट यूजर्स कृतिका की बुराई करने की जगह अब उसे टारगेट कर उसकी बुराई करनी शुरू कर चुके थे। जिन लोगों ने कृतिका की बुराई की थी, उन सब के मुंह पर गोस्वामी ने अकेले एक जोर का तमाचा मारा था। विशाल को भी घटनाक्रम में आए इस बदलाव पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो ये भरोसा नहीं कर पा रहा था कि आखिर गोस्वामी क्यों कृतिका को सपोर्ट करने लग गया। तभी उसे याद आया कि जब उसने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए होराइजन पार्क एरिया के रोड को ब्लॉक किया था, तो उससे गोस्वामी को भी थोड़ी परेशानी हुई थी। क्या उस इंसिडेंट की वजह से गोस्वामी अब भी उस पर गुस्सा है? अभी विशाल ये सोच ही रहा था कि उसे निर्जला का कॉल आया। उसने तुरंत निर्जला के कॉल को पिक किया। हेलो निर्जला। विशाल सर, जो पोस्ट आपने की है। निर्जला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विशाल से क्या कहे। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे सपोर्ट में ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं, विशाल ने कहा। उसने निर्जला के उसे कॉल करने के इंटेंशन को गलत समझ लिया था। उसे लगा कि निर्जला ने उसे सॉरी कहने के लिए कॉल किया है, क्योंकि वो उसके सपोर्ट में ट्विटर पर नजर नहीं आई थी। मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर कोई पोस्ट क्यों नहीं किया, विशाल अपनी ही धुनी रमाए जा रहा था।
नहीं नहीं विशाल सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैंने बस अभी अभी आपकी पोस्ट को देखा। निर्जला ने तुरंत खुद को एक्सप्लेन किया। आप अभी भी ये बात नहीं जानते हैं ना गोस्वामी, वो कृतिका का स्टेप डैड है। क्या क्या कहा तुमने? विशाल ने तुरंत अपने कान पर जोर की एक चपत लगाई। उसे लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। आपने कुछ गलत नहीं सुना सर, गोस्वामी कृतिका का स्टेप डैड है। निर्जला ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। दरअसल गोस्वामी के द एक्स फाइल्स में आने के कारण शो के सीक्रेट को एक्स्ट्रा सीक्रेट बनाए रखने के लिए, रिकॉर्डिंग को देखने के लिए स्टूडियो आई ऑडियंस के साथ साथ वहां आए सभी सेलिब्रिटीज से भी एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया गया था। इस एग्रीमेंट की वजह से निर्जला चाहकर भी विशाल को ये नहीं बता सकती थी कि द एक्स फाइल्स के फिनाले एपिसोड में गोस्वामी ने भी पार्ट लिया है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये बात मुझे कैसे पता चली, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये बात 100% सच है।